इंसान दुनिया का सबसे ताकतवर प्राणी शायद इसलिए है क्योंकि वो अपनी बात अलग अलग तरीके से लोगों के सामने रख सकता है। लिखना भी अपनी बातों को कहने का एक तरीका है। भारी से भारी इमोशन का बोझ पन्नों पर लिखकर हम अपने कंधों से उतार सकते हैं। लिखकर हम अपने मन की बातों को अनगिनत लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन लिखना भी एक कला है। यूं ही नहीं कोई कागज और कलम उठाता है और वो लेखक बन जाता है। लेखन एक कला है और एक बहुत ही शक्तिशाली कला है। लोगों के लिखे हुए शब्दों ने कई सदियों से इंसानों को नई राहें दिखलाई हैं और उन्हें जीने का तरीका सिखाया है। लेखन इतनी शक्तिशाली कला है कि लोगों ने कलम को तलवार से ज्यादा ताकतवर हथियार बताया है। लेखन एक बेहद ही खूबसूरत कला भी है। लेखन एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ने का काम करता है। सोचिए, आपने अपनी कल्पनाओं से कुछ पन्ने भरे और उन्हें पढ़कर किसी दूसरे इंसान के मन में नई उम्मीदें जागी। उसे दुनिया को नए ढंग से देखने के लिए नजरिया मिल गया। है ना वाकई खूबसूरत। कहा जाता है कि जिसे लेखन करने का ढंग आता है उसे जिंदगी जीने का ढंग भी आता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लिखने के लिए आपको जिंदगी के हर पहलू से रूबरू होना होता है। आज हम आपके सामने जिस किताब का सारांश पेश करने जा रहे हैं वो आपको जिंदगी जीने और लेखन करने दोनों का ही ढंग सिखाने की कोशिश करती है। एनी लेमट द्वारा लिखी गई किताब बर्ड बाय बर्ड एक बेहद ही खूबसूरत और सीख देने वाली किताब है। ये आपको लिखने की कला की ABCD तो सिखाती ही है, साथ में आपको जिंदगी से जुड़े बहुत सारे अहम सबक भी देती है। ये किताब लेखिका की जिंदगी के दिलचस्प किस्सों से भरपूर है। एनी लेमट ने किताब पढ़ने वालों को लिखना सिखाने के लिए अपनी जिंदगी के किस्सों और अनुभवों को भी शामिल किया है। एक लेखिका के तौर पर वो जिंदगी में किस तरीके की परेशानियों और हालातों से रूबरू हुई, उन्होंने वो सब कुछ इस किताब में साझा किया है। अपनी जिंदगी में कई बच्चों को लिखना सिखा चुकी एनी लेमट इस किताब में आपको अपने लेखन करियर की शुरुआत करने से लेकर अपनी किताब को पब्लिश कराने तक का रास्ता बताती हैं। अगर आप भी एक उभरते हुए लेखक हैं या आप लेखन के जरिए दुनिया को अपनी कल्पनाओं से रूबरू कराना चाहते हैं या इनमें से कोई भी विकल्प नहीं है, तब भी जिंदगी के कुछ जरूरी सबक सीखने के लिए आपको एनी लेमट की किताब बर्ड बाय बर्ड के सारांश को जरूर सुनना चाहिए। तो देर किस बात की है, चलिए सुनते हैं कुकू FM के साथ एनी लेमट की किताब बर्ड बाय बर्ड का सारांश। आप सुन रहे हैं कुकू FM, एनी लेमट द्वारा लिखी गई किताब बर्ड बाय बर्ड, और मैं हूं RJ अंकित सिद्धू। कुकू FM, सुने जो मन चाहे। लेखन की शुरुआत। लेखिका अपने छात्रों को लेखन के बारे में सबसे पहली बात जो बताती हैं, वो ये है कि लेखन करने का मकसद सच्चाई के बारे में बताना होता है। इंसान एक ऐसा प्राणी है जो खुद के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की जरूरत को समझता है और इसके लिए कोशिश भी करता है। हम सबके पास बताने के लिए कई कहानियां होती हैं और जवाब ढूंढने के लिए कई सवाल भी। जब कोई लेखन की शुरुआत करता है तो उसके मन में एक अलग उत्साह होता है। ये उत्साह इस बात का होता है कि अब उसकी आवाज कहानियों और विचारों को पूरी दुनिया सुनने वाली है। ऐतिहासिक रूप से लेखिका के पास लेखन सीखने आने वाले छात्रों में पहले दिन गजब का जोश और उमंग दिखाई देता है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वे लेखिका की हर बात को मानने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन दूसरे दिन से ही ये उमंग और जोश फीका पड़ने लगता है और ज्यादातर छात्रों को एक ही सवाल परेशान कर रहा होता है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अपने लेखन की शुरुआत कहां से करूं। इस एक सवाल से परेशान ज्यादातर छात्रों के लिए लेखिका के पास एक ऐसा जवाब मौजूद है जो उनकी परेशानी को अधिकतम मौकों पर दूर कर देता है। लेखिका छात्रों से कहती हैं कि वे अपने लेखन की शुरुआत अपने बचपन की कहानियों के साथ करें। जितना हो सके उतनी ईमानदारी के साथ अपने बचपन की यादों को लिखने की शुरुआत कीजिए। एक कहावत है कि अगर कोई अपने बचपन को जी चुका है तो उसके पास जिंदगी भर के लिए लेखन सामग्री इकट्ठा हो चुकी है। हो सकता है आपका बचपन विकट और खराब परिस्थितियों में गुजरा हो, लेकिन खराब और विकट परिस्थितियां भी आपको अच्छे लेखन के लिए विचार उपलब्ध कराती हैं।
लेकिन अभी आपको अच्छे या बुरे लेखन की चिंता नहीं करनी है। शुरुआत में आप केवल अपने अनुभवों को कागज पर उतारने की कोशिश कीजिए। अब जब आपको मालूम है कि आपको अपने लेखन की शुरुआत कहां से करनी है, तो मुमकिन है कि आप ये तय ना कर पाए कि कौन से विचार से लेखन की शुरुआत करनी चाहिए। इस स्थिति में आप अपने स्कूल के शुरुआती दिनों के अनुभवों के साथ लेखन की शुरुआत कर सकते हैं। स्कूल में किंडरगार्टन की यादों के बारे में लिखना शुरू कीजिए। अगर आपको अपना लिखा हुआ पसंद नहीं आ रहा है तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप इसे किसी को नहीं दिखाने वाले हैं। किंडरगार्टन के बाद पहली कक्षा, दूसरी कक्षा की यादों और घटनाओं के बारे में लिखिए। अपने शिक्षकों को, अपने सहपाठियों को याद कीजिए। आप किस प्रकार के कपड़े पहनकर स्कूल जाते थे, आपको कौन से लोग स्कूल में पसंद थे और किन लोगों से आपका झगड़ा होता था, ये सारे अनुभव आप कागज पर उतार सकते हैं। स्कूल के शुरुआती दिनों के बारे में लिखना अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है या आप इस बारे में सब कुछ लिख चुके हैं, तो आप बचपन में अपनी छुट्टियों, त्योहारों और दूसरी बड़ी घटनाओं से जुड़ी जो यादें हैं उनके साथ अपने लेखन को शुरू कर सकते हैं या आगे बढ़ा सकते हैं। आपके जन्मदिन, क्रिसमस या दूसरे त्योहारों और अवसरों से जुड़ी जो भी घटनाएं आपको याद आती हैं, उनके बारे में लिखना शुरू कीजिए। आप कागज के पन्नों पर वो सब लिखना शुरू कीजिए जिसे आपने अब तक किसी के साथ साझा नहीं किया है। याद कीजिए कि आपके जन्मदिन पर आपने कैसे कपड़े पहने थे, मेहमानों ने क्या खाना खाया था, कौन सी आंटी के कपड़े देखकर आपको हंसी आई, पार्टी के दौरान आपके घर का माहौल कैसा था। आप वो सब कुछ लिखना शुरू कीजिए जो आप याद कर सकें। घटना कितनी ही छोटी क्यों ना हो, अगर वो आपकी याददाश्त में शामिल है तो उसे जितनी ईमानदारी के साथ मुमकिन हो सके लिखिए। एक बात याद रखिए, आपके साथ जो भी घटनाएं घटित होती हैं उन्हें बताने का आपके पास पूरा अधिकार होता है। हो सकता है आपका बचपन कठिनाइयों में बीता हो और आप इस बारे में किसी से भी बात करने से हिचकते हो और आपके मन में लोगों की प्रतिक्रियाओं का डर रहता हो, लेकिन जब आप लिखने की शुरुआत करें तो आप इन सब बातों को भूलकर पूरी आजादी के साथ अपनी कहानी को पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ लिखना शुरू कीजिए। इसका परिणाम क्या होगा, लोग कैसे प्रतिक्रिया देंगे, इन सब बातों के बारे में सोचना बंद कीजिए। इतना सब सुनने के बाद छात्रों का अक्सर लेखिका से सवाल होता है कि आपकी बताई गई बातों का पालन हम अपनी जिंदगी में कैसे करें। छात्रों के इस सवाल का भी जवाब लेखिका के पास तैयार रहता है। वो उनसे कहती हैं, ये तो बहुत आसान है, आप बैठिए और लिखना शुरू कीजिए। लेकिन आपको लेखन के लिए बैठने का एक समय तय कर लेना चाहिए। ऐसा करने से आप अपने दिमाग को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए एक समय निर्धारित कर देते हैं। तो अब आपने उदाहरण के लिए रोजाना सुबह 10 बजे का समय अपने लेखन करने के लिए चुन लिया है। आप कागज का एक टुकड़ा लेकर या अपने कंप्यूटर को खोलकर लिखने के लिए बैठते हैं। आपके दिमाग में कोई विचार नहीं आ रहा है और टकटकी लगाए आप अपनी सूखी आंखों के साथ अपनी स्क्रीन या कागज की ओर देख रहे हैं। आप छत की ओर देखते हैं, फिर घड़ी की ओर और फिर एक उबासी लेते हुए वापस अपनी स्क्रीन या कागज की ओर देखने लगते हैं। लगभग एक घंटा बीत चुका है पर आपके दिमाग में कोई भी विचार नहीं आया। आपकी उंगलियां कीबोर्ड पर तैनात हैं और तभी आपके दिमाग में एक विचार उभरता है। वो विचार आपसे क्या कह रहा है ये जानने के लिए कि आप उसे गौर से सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी दौरान आपके दिमाग में कई और आवाजें आ रही हैं। कोई आवाज आपसे कहती है कि चलो फ्रिज खोलकर देखा जाए, कोई आपसे कहती है कि चलो बालों को संभाला जाए। इसी बीच आपके फोन की घंटी भी बजने लगती है और बैठे बैठे आपकी कमर और गर्दन में दर्द होने लगता है। लेकिन इन सब के बीच आपके मन में जो लिखने के लिए विचार उभरा था उसकी आवाज को सुनने के लिए आप सारी बाधाओं और दूसरी आवाजों को रास्ते से हटाते हैं। अपनी कहानी सुनाने के लिए अपने शब्दों को मोतियों की तरह पिरोने लगते हैं। आप अपनी आवाज दुनिया को सुनाने के लिए बेकरार हैं। आप चाहते हैं कि आप अपने शब्दों के जरिए अपने विचारों को एक नई जिंदगी दें ताकि लोग उनसे रूबरू हो सके। लेकिन ये सब केवल चाहने से नहीं हो सकता। जब आप लिखने बैठेंगे तो आपकी मेहनत, जिद और विश्वास ही आपको सफलता दिला सकती है। लेखन की शुरुआत करते वक्त आप इन चीजों को साथ लेकर चलें।
लेखिका एनी लेमोट कहती हैं कि ज्यादातर छात्र और छात्राएं लेखन इसलिए सीखना चाहते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा लेखन पढ़ना पसंद होता है और वो चाहते हैं कि वो खुद भी ऐसा लिखें। लेकिन मेरी अब तक की बताई गई बातों को सुनकर उनके चेहरे पर निराशा छा जाती है। मैं अक्सर उनसे कहती हूँ कि अब मैं आपकी फीस तो वापस नहीं कर सकती, लेकिन मेरे पास आपके लिए दो ऐसी चीजें हैं जो आपके लेखन के सफर में सबसे ज्यादा मदद कर सकती हैं। पहली सलाह है अपने लेखन परियोजना को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। आमतौर पर जब आप कुछ नया लिखने बैठेंगे तो आपके दिमाग में अपने बचपन से जुड़ी कोई आत्मकथा, अप्रवासी अनुभवों से जुड़ा कोई नाटक या महिलाओं के इतिहास से जुड़ी कोई कहानी जैसी बड़ी परियोजनाएं चल रही होती हैं। इन पर एक सरसरी निगाह दौड़ाई जाए तो इनको लिखना किसी पहाड़ पर चढ़ने के समान होता है। लेकिन अगर आप किसी भी लेखन परियोजना को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें और एक समय पर एक हिस्से को पूरा करने का लक्ष्य लेकर चलें, तो ये काम आसान हो सकता है। जैसे किसी ऊंचे पहाड़ की चढ़ाई करते वक्त आपको बीच में रुक रुक कर आगे बढ़ना पड़ता है, उसी तरीके से आप अपने लेखन को भी आगे बढ़ा सकते हैं। लेखिका अपना अनुभव साझा करते हुए कहती हैं कि जब उनके सामने कोई बड़ी लेखन परियोजना होती है तो वो अक्सर घबरा जाती हैं। किसी बड़ी परियोजना को देखकर अक्सर उनके मन में भी शंका होती है और वो अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाती हैं। लेकिन वो जैसे तैसे खुद को संभालती हैं। लेखन करने से पहले वो धीमी और गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने का प्रयास करती हैं। इसके बाद लेखन से जुड़ा जो भी विचार उनके मन में होता है वो केवल उसे ही पूरा करने का लक्ष्य लेकर चलती हैं। लेखिका कहती हैं कि मैं आगे की कहानी के बारे में सोचकर अपने ऊपर अतिरिक्त भार नहीं डालती। लेखिका अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य तय करती हैं। उदाहरण के लिए वो केवल एक पैराग्राफ लिखने का लक्ष्य रखती हैं जो उनकी कहानी को उनके गृहनगर से जोड़ने वाला है, या जब उनकी मुख्य नायिका सामने के दरवाजे से निकलकर आंगन में आती है और पाठकों का उससे पहला परिचय होता है। ईएल डॉक्टरोव ने एक बार कहा था कि एक नॉवेल लिखना रात के समय गाड़ी चलाने के समान होता है। गाड़ी में बैठकर आपको केवल उतना ही दिखाई देता है जितनी दूर आपकी हेडलाइट की रोशनी जाती है, लेकिन आप किसी तरीके से अपना पूरा सफर तय कर लेते हैं। आपके लिए ये जानना जरूरी नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं या आपकी मंजिल क्या है या आप अपने सफर के दौरान किन चीजों से गुजर रहे हैं। आपको केवल अपने आगे 3-4 फीट की दूरी पर नजर रखनी है। ये सलाह केवल अच्छे लेखन ही नहीं बल्कि एक अच्छी जिंदगी के लिए भी सर्वश्रेष्ठ सलाहों में से एक है। तो अगली दफा जब आपको अपने आगे एक बड़ी लेखन परियोजना नजर आए तो आप प्यार के साथ खुद से कहिए, मेरी जान, अभी हमें केवल पहाड़ों के पीछे से नदी के ऊपर निकल रहे सूरज के बारे में लिखना है। या कहानी में पहली बार अपनी नायिका को देखने के बाद नायक की भावनाओं के बारे में बताना है। हमारे सामने एक बहुत छोटा सा लक्ष्य है और हमें उसे ही पूरा करना है। लेखन की शुरुआत कर रहे छात्रों को सर्वाधिक मदद करने वाली लेखिका की दूसरी सलाह के बारे में हम जानेंगे अगले एपिसोड में। लेखन का पहला ड्राफ्ट और करेक्टर्स। अगर आपको लेखिका का छोटे लक्ष्य लेकर चलने वाला पहला विचार पसंद आया था तो शायद आपको ये दूसरा विचार उससे भी ज्यादा पसंद आ सकता है। दूसरा विचार खराब रेखा चित्र से जुड़ा हुआ है। रेखा चित्र यानी ड्राफ्ट। लेखन के लिए मन में विचार करने के बाद जब आप उन विचारों को पहली बार पन्नों पर उतारते हैं और उसे एक रूपरेखा देने की कोशिश करते हैं उसे लेखन का रेखा चित्र कहा जाता है। लेकिन अधिकतर लोग जब पहली बार अपने विचारों का खाका पन्नों पर खींचते हैं तो उन्हें निराशा होती है। ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि उन्हें अपना रेखा चित्र अपनी कल्पना के अनुसार नजर नहीं आता है। नए लेखकों के लिए तो खासतौर पर ये स्थिति मनोबल गिराने वाली साबित होती है। लेकिन लेखिका की दूसरी सलाह यहीं पर काम करती है। लेखिका का कहना है कि आपको अपने लेखन का पहला ड्राफ्ट तैयार करते समय ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। अगर आपका पहला ड्राफ्ट बेहद खराब बन रहा है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। लेखिका के अनुसार उन्होंने ऐसे कई महान लेखकों को देखा है जिनके लेखन का पहला ड्राफ्ट बेहद खराब होता है, लेकिन ये बेहद खराब पहला ड्राफ्ट ही
उनको एक बेहतर दूसरा ड्राफ्ट और आखिर में बेहतरीन तीसरा और फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने में मदद करता है। लेखिका कहती हैं कि वो ऐसे कई अच्छे और महान लेखकों को जानती हैं जिनके लेखन को बहुत पसंद किया जाता है और वो अपने लेखन से अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, लेकिन उनमें से शायद ही कोई ऐसा लेखक है जो पूरे आत्मविश्वास और उत्साह के साथ लिखने बैठता हो। इनमें से कोई भी ऐसा लेखक नहीं है जिसका लिखा हुआ पहला ड्राफ्ट बेहतरीन होता हो। ऐसे बहुत कम लेखक होते हैं जिन्हें अपना काम पूरा करने से पहले पता होता है कि वो क्या करने जा रहे हैं। लेखिका खुद मानती हैं कि उनके लिखे हुए पहले ड्राफ्ट बेहद खराब होते हैं, लेकिन उनका कहना है कि खराब ड्राफ्ट लिखना ही उनके लिए एक अच्छा ड्राफ्ट तैयार करने का इकलौता तरीका है। पहले ड्राफ्ट को एक बच्चे का ड्राफ्ट समझकर आप अपने मन में आने वाले सभी विचारों को कागज पर उतार दें। पहले ड्राफ्ट को लिखते समय अपने दिमाग में इस बात को दोहराते रहें कि इस ड्राफ्ट को कोई नहीं देखने वाला है और मैं इस ड्राफ्ट को बाद में सुधार सकता हूँ या सकती हूँ। आप अपने अंदर के बच्चे के मन में आने वाले सभी विचारों को पन्ने पर उकेरते जाएं। लगभग सभी अच्छे लेखनों की शुरुआत एक खराब पहले ड्राफ्ट के साथ हुई है। आपको अपने लेखन के लिए एक शुरुआत चाहिए होती है। ये शुरुआत आप कुछ भी लिखकर कर सकते हैं। आप क्या लिखकर शुरुआत कर रहे हैं ये ज्यादा जरूरी नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी है केवल लिखने की शुरुआत करना। जब आप लिखने की शुरुआत करेंगे तो आपके मन में तरह तरह के सवाल उठेंगे। पहला ड्राफ्ट लिखने के दौरान आपको अपने लेखन पर कई प्रकार की शंकाएं होंगी, लेकिन आपको किसी भी प्रकार की शंकाओं की चिंता किए बगैर अपने लेखन की शुरुआत करनी है और फिर उसे जारी रखना है। अपने पहले ड्राफ्ट को आजादी के साथ लिखने के लिए आपको एक विचार अपने दिमाग से कतई निकाल देना होगा। ये विचार है अपने लेखन को परफेक्ट बनाने का। अपने लेखन को परफेक्ट बनाने का विचार आपको एक दायरे में सीमित करके रख देगा और आप पूरी जिंदगी परफेक्ट लिखने की तलाश में भटकते रहेंगे। ध्यान रखिए, परफेक्ट लेखन जैसा इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। महान से महान लेखकों को भी अपने सबसे महान लेखन परफेक्ट नजर नहीं आते। किताबों के आलोचक भी हर लेखन में कोई ना कोई कमी जरूर ढूंढ लेते हैं। परफेक्ट लेखन की कोशिश आपको लेखन की शुरुआत करने से रोक सकती है, इसलिए परफेक्ट लेखन को दिमाग से निकाल दें। अब बात कर रहे हैं करैक्टर की। लेखक के लिए अपने करैक्टर को गहराई से जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपको अपने मन के विचारों और कहानियों को सच्चाई के करीब ले जाना है और यकीन करने लायक बनाना है तो उनके बारे में आपको गहरी समझ रखनी होगी। हालांकि अपने करैक्टर के बारे में आप तुरंत नहीं जान सकते हैं, अपने करैक्टर को बेहतर तरीके से जानने के लिए आपको उसके साथ वक्त बिताना पड़ता है और इसी दौरान उसे आप बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। आपको समझना होगा कि आपके करैक्टर की भावनाएं किस प्रकार की हैं, किस तरीके से उसमें बदलाव हो रहे हैं और इन बदलावों के पीछे क्या वजह है। हो सकता है आप अपने लेखन में इन सब बातों का इस्तेमाल ना करें, लेकिन आपको अपने करैक्टर के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। लेखन के दौरान आपको अपने कुछ करैक्टर से ज्यादा लगाव होगा क्योंकि उनमें आप जैसे गुण हो सकते हैं। इसी तरह आपको कुछ करैक्टर से नफरत भी होगी, लेकिन अपनी कहानी को एक अच्छी कहानी में बदलने के लिए आपको अपने पसंदीदा करैक्टर्स के साथ बुरी घटनाएं होने देनी है। अच्छे करैक्टर के साथ बुरी घटनाएं होती हैं क्योंकि हर कर्म का एक नतीजा होता है और हर व्यक्ति कभी ना कभी गलती जरूर करता है। अपने करैक्टर को अच्छे से जानने की कोशिश कीजिए, उन्हें दाव पर लगाइए और जब जरूरत हो तो उनके साथ बुरी घटनाएं भी होने दीजिए। जब आप अपने करैक्टर को लिखना शुरू करेंगे तब हो सकता है आपको उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होगी। शुरुआत में आपको केवल उनके बाहरी चरित्र के बारे में ही जानकारी हो सकती है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। जैसे जैसे आप अपने करैक्टर के साथ आगे बढ़ेंगे आप उनकी अंदरूनी भावनाओं को भी पहचानने लगेंगे। आपकी किताब के करैक्टर भी उसी तरीके से काम करते हैं जिस तरीके से बाहर की दुनिया में लोग। शुरुआत में आपको लोगों के बाहरी चरित्र का पता चलता है, जैसे जैसे आप उनके साथ समय बिताते हैं धीरे धीरे आप उनके अंदरूनी चरित्र को भी जानने लगते हैं। इस मामले में भी जिंदगी और लेखन काफी हद तक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब तक आपको अपने कैरेक्टर की गहराइयों का पता नहीं चलता है तब तक आप लोगों को दिखाइए कि बाहर से आपका कैरेक्टर कैसा दिखता है, उसको क्या चीज पसंद है, किन चीजों की उसे फिक्र है
किस चीज को वो दुनिया में सबसे ज्यादा चाहता है, उसके सीक्रेट्स क्या हैं, वो कैसे चलता है। आपका कैरेक्टर जो भी करता है या जो भी कहता है उसका सीधा संबंध उसके चरित्र से होता है, इसलिए उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना बहुत महत्वपूर्ण है। आपका कैरेक्टर असल में क्या है ये जानने के लिए आप खुद अपने दिल में भी झांक कर अपने चरित्र के अलग अलग पहलुओं को खंगाल सकते हैं। आपको अपने अंदर एक बहरूपिया, एक राजा, एक नर्स, एक अनाथ, एक पुजारी या एक आशिक मिल सकता है। आप अपने इन चरित्रों में घुसकर इनकी भावनाओं को महसूस कर सकते हैं, इनकी सोच को समझ सकते हैं, इनकी बोलचाल के तरीकों के बारे में जान सकते हैं। आप अपने कैरेक्टर को बेहतर तरीके से जानने के लिए उन्हें अपने किसी जान पहचान के व्यक्ति के ऊपर आधारित कर सकते हैं, फिर इनमें अपनी पसंद, कल्पना और कहानी के हिसाब से बदलाव कर सकते हैं। लोगों से अपने कैरेक्टर का परिचय कराने के लिए आप कई पन्नों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसी लाइन या पैराग्राफ ढूंढने की कोशिश कीजिए जिसके जरिए आप अपने कैरेक्टर के बारे में लोगों को सही तरीके से बता सके। एक दफा किताब की लेखिका ने अपने दोस्त इथान कैनिन से पूछा, उनके हिसाब से लेखन में सबसे बहुमूल्य चीज क्या है। उनके दोस्त ने जवाब दिया कि लेखन में एक अच्छा नैरेटर यानी सूत्रधार सबसे ज्यादा जरूरी होता है। एक कहानी को आगे बढ़ाने और जोड़े रखने के लिए एक अच्छा नैरेटर सबसे ज्यादा जरूरी है। कहानी में एक अच्छा कैरेक्टर होना असल जिंदगी में एक अच्छे दोस्त के होने के समान होता है, जिसकी बातों को सुनना आपको अच्छा लगे, जिसके विचारों को समझने की कोशिश करने में आपको मजा आए, जिसकी बातों को आप गौर से सुनते हो और जिसकी कही बातों को आप अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हो। कोशिश कीजिए कि आपके लेखन का कैरेक्टर आपके लिए और पाठकों के लिए एक ऐसा ही दोस्त साबित हो। लेखिका का कहना है कि अगर गौर से देखा जाए तो एक इंसान की कमियों और खामियों की वजह से ही लोग उसे पसंद करते हैं। ध्यान रखिए, एक परफेक्ट कैरेक्टर के साथ लोग खुद को जोड़कर नहीं देख पाएंगे। कैरेक्टर में खामियां होना जरूरी है, क्योंकि परफेक्ट होने पर लोगों को वो काल्पनिक और झूठा नजर आएगा। आपके कैरेक्टर में लालच हो सकता है, आलस हो सकता है या उसमें जलन की भावना भी हो सकती है। अब हम बात कर रहे हैं कैरेक्टर से जुड़ी एक आखिरी चीज के बारे में। हो सकता है अपने कैरेक्टर को लिखने की शुरुआत करने के कई हफ्तों या महीनों बाद भी आप उनके बारे में अच्छी तरह से ना जान पाएं। अगर ऐसा होता है तो चिंता की बात नहीं है। आपको केवल ये दिखावा नहीं करना है कि आपको अपने कैरेक्टर के बारे में सब कुछ पता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले एपिसोड की ओर, जिसमें हम प्लॉट और डायलॉग जैसी चीजों के बारे में जानेंगे। प्लॉट आपकी किताब की मुख्य कहानी उसका प्लॉट कहलाती है। आमतौर पर किताब का प्लॉट आपके कैरेक्टर की वजह से बनता है और आगे बढ़ता है। जब आप किन्हीं दो लोगों के बारे में लिखते हैं जिन्हें आप अच्छे से जानते हैं तो आप नई घटनाओं की रचना कर सकते हैं। वहीं आपको ये ध्यान रखना है कि आपके कैरेक्टर आपके सोचे हुए प्लॉट के केवल प्यादे बनकर ना रह जाएं। आपको अपने प्लॉट से ज्यादा अपने कैरेक्टर की चिंता करनी चाहिए। आपको अपने कैरेक्टर की जिंदगी से जुड़े रहकर अपनी कहानी को आगे बढ़ाना है। इस दौरान आप लगातार खुद से सवाल करते रहिए कि अब आगे क्या हो सकता है। आप अपने कैरेक्टर से जितना ज्यादा जुड़ सकेंगे आपका प्लॉट उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। जब आपको पता होगा कि आपके कैरेक्टर के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है तो आपको खुद ब खुद ये अंदाजा हो जाएगा कि उस कैरेक्टर के लिए कहानी में क्या जोखिम और खतरे पैदा किए जा सकते हैं। अपने कैरेक्टर की इन मुश्किलों को कहानी में डालने का रास्ता खोजिए और कैरेक्टर को अपनी रक्षा करने का मौका दीजिए। लेखिका ये बताना चाहती हैं कि आपकी कहानी में तनाव पैदा करने के लिए कैरेक्टर के सामने मुसीबतें और जोखिम होना बहुत जरूरी है। जब आपका कैरेक्टर मुसीबतों का सामना करेगा तब आप उसे बुरे से अच्छा या अच्छे से बुरा बनते हुए दिखा सकते हैं। लेखिका ने अपनी किताबों का प्लॉट आगे कैसे बढ़ाते हैं ये भी बताया है। लेखिका कहती हैं कि अपनी किताब को आगे बढ़ाने के लिए जब वो बैठती हैं, तो वो अपने पिछले दिन का काम पढ़कर शुरू करती हैं। इसके बाद वो कुछ देर खाली पन्नों या छत की ओर देखती रहती हैं। इस दौरान वो अपनी कहानी के कैरेक्टर के बारे में कल्पनाएं करती हैं और उन्हें पूरी आजादी के साथ अपने मन में विकसित होने का मौका देती हैं। कुछ देर में उनके दिमाग में ऐसी कल्पनाएं आने लगती हैं जिनके सहारे
वे अपने प्लॉट को आगे बढ़ाने के लिए कागज पर शब्दों को उतारने लगती हैं। लेखिका का कहना है कि अगर आप अपने करेक्टर की आवाज सुनकर आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपका प्लॉट खुद ब खुद संभलता चला जाएगा, लेकिन ऐसा होने के लिए आपको अपने करेक्टर को समय देना होगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि करेक्टर एक दूसरे की जिंदगियों में घुल मिल रहे हैं और मिलकर एक दूसरे की जिंदगी को एक नई राह दे रहे हैं। हालांकि अपनी कहानी को आगे बढ़ाने का ये तरीका सीधा और सरल नहीं है, लेकिन आपको इसकी चिंता नहीं करनी है। पहले आप अपनी कहानी को आगे बढ़ाने पर ध्यान दीजिए। जब आप अपनी कहानी को एक अंजाम तक पहुंचा देंगे तो फिर आपके पास अपनी कहानी में जरूरी बदलाव करने का मौका रहेगा। लेखिका कहती हैं कि लेखन करना अपने सपनों को किताब पढ़ने वालों को दिखाने जैसा होता है। जितनी आसानी के साथ आप अपने सपने देखते हैं, उतनी आसानी पाठकों को आपके सपनों को पढ़ते हुए होनी चाहिए। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि आपके सपने जब पाठक पढ़ने बैठें, तो उन्हें वो अभी अभी पहाड़ों से निकली एक साफ बहती हुई नदी की तरह नजर आने चाहिए। आपका लेखन दूसरे लोगों को किस तरीके से समझ में आ रहा है, ये जानने के लिए आप अपने किसी दोस्त की मदद ले सकते हैं। आपको ऐसे दोस्त की मदद लेनी चाहिए जो आपको ये बता सके कि आपकी कहानी ट्रैक से उतर रही है या आपकी कहानी में कहीं खाली स्थान तो नहीं है। अधिकतर समय ये होता है कि हम अपनी कल्पनाओं के हिसाब से प्लॉट को आगे बढ़ा रहे होते हैं और इसमें होने वाली खामियां हमें नजर नहीं आती हैं। ऐसे मौकों पर किसी दोस्त की सहायता बहुमूल्य साबित होती है। अपने प्लॉट को आगे बढ़ाने के दौरान ड्रामा आपके पाठकों को ध्यान खींचने में बहुत मदद करता है। अपने प्लॉट में पाठक के दिलचस्पी को बनाए रखने के लिए आप ड्रामे का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आप कहानी में ड्रामे का इस्तेमाल अपने प्लॉट को आगे बढ़ाने के लिए कीजिए। अगर ड्रामा आपके प्लॉट को आगे नहीं बढ़ा रहा है तो ये आपकी कहानी को बोरिंग बना सकता है। जब आप अपने प्लॉट को आगे बढ़ा रहे हैं तो आप अपने करेक्टर को एक खास पहचान देने की कोशिश कीजिए ताकि पढ़ने वाले को वो याद रहे। उदाहरण के लिए आप अपनी कहानी के नायक को सिगार पकड़ा सकते हैं या नायिका को बड़ी बड़ी नशीली आंखों वाली दर्शा सकते हैं। हालांकि इस दौरान अगर आप किसी करेक्टर को अच्छे से नहीं जानते हैं और उसकी भावनाओं के बारे में नहीं समझते हैं, फिर भी प्लॉट को आगे बढ़ाने के लिए आप उन्हें कहानी में डाल देते हैं तो ये आपके लिए एक बड़ी भूल साबित हो सकती है, क्योंकि किताब पढ़ने वाले आपके इस झूठ को पकड़ लेंगे और वो आगे की कहानी पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। ये आपके प्लॉट के बहाव को भी खराब कर सकता है। अब हम बात करते हैं अपने प्लॉट के आखिरी हिस्से के बारे में। प्लॉट के आखिरी हिस्से को साहित्य की भाषा में क्लाइमेक्स कहा जाता है। क्लाइमेक्स प्लॉट का वो हिस्सा होता है जहां पर आपकी बनाई हुई अलग अलग धुनें आकर मिलती हैं और एक संगीत का निर्माण करती हैं। क्लाइमेक्स पर पहुंचकर आपके करेक्टर में से किसी एक के अंदर बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। क्लाइमेक्स में आप मौत या इसी तरह की कोई दूसरी प्रभावशाली घटना का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मौत एक असली मर्डर भी हो सकता है, किसी विश्वास का टूटना या अंतरात्मा के मरने जैसा भी कुछ हो सकता है। दूसरी प्रभावशाली घटनाओं के उदाहरण के रूप में आप दो प्रेमियों का मिलना, किसी भयंकर बीमारी से उबरना भी दिखा सकते हैं। आपकी किताब का क्लाइमेक्स जैसा भी हो, उसे पढ़ने वाले इंसान के मन में हैरानी होनी चाहिए, लेकिन इस हैरानी के बीच उसे ये एहसास भी होना चाहिए कि इस अंत को रोका नहीं जा सकता था। हालांकि आपको अपने प्लॉट के क्लाइमेक्स में जबरदस्ती ऐसी चीजें नहीं रखनी चाहिए जिससे आप पाठकों के मन में हैरानी पैदा कर सकें। प्लॉट और कैरेक्टर को आप जिंदगी से आगे बढ़ने दें और वो खुद ब खुद अपने लिए एक अच्छा क्लाइमेक्स आपके दिमाग में पहुंचा सकते हैं। अब चलते हैं हम अगले एपिसोड की ओर, जिसमें हम जानेंगे डायलॉग के बारे में। डायलॉग। अच्छे डायलॉग एक किताब का मूड बदलने की क्षमता रखते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी किताब में बेहतरीन डायलॉग लिखे हैं तो हमें महसूस होता है कि जैसे हम किन्हीं दो व्यक्तियों की बातों को बैठकर सुन रहे हैं। डायलॉग की बदौलत किताब पढ़ने वाला खुद को करेक्टर और प्लॉट के साथ जुड़ा हुआ महसूस करता है। वहीं दूसरी ओर खराब डायलॉग एक अच्छे प्लॉट और करेक्टर को बेकार करने की भी क्षमता रखते हैं। नॉन फिक्शन के डायलॉग लिखते वक्त आपको केवल इस बात का ध्यान रखना होता है कि क्या जो बात आप किसी व्यक्ति से जोड़कर कह रहे हैं,
क्या उसने वाकई वही बात कही है। लेकिन फिक्शन के डायलॉग लिखते वक्त आपका दूसरा रवैया होता है। फिक्शन में आप किसी दूसरे इंसान की कही हुई बातों को नहीं लिख रहे होते। फिक्शन में आप वही लिखते हैं जो आपके हिसाब से करेक्टर कहना चाहता है। अपने करेक्टर के लिए डायलॉग लिखते वक्त आपकी उनके बारे में समझ बेहद काम आएगी। किस स्थिति में आपका करेक्टर किस तरह से बोलेगा, ये लिखना वाकई एक कला है। इस दौरान आपको इस बात का ध्यान रखना है कि डायलॉग असल जिंदगी के करीब नजर आने के बजाय ज्यादा फिल्मी लगना चाहिए। जब आप डायलॉग लिखने बैठते हैं तो कई चीजें आपकी मदद कर सकती हैं। सबसे पहले तो आप डायलॉग लिखने से पहले उन्हें खुद बोलकर देखिए। इसके बाद बाहर जब आप दूसरे लोगों से मिलें तो उनकी बातों को गौर से सुनने की आदत डालें। बाहर लोग अपनी बात कैसे कहते हैं उसको याद रखिए, और जो बातें आपको पसंद आए उन्हें अपने हिसाब से बदलकर अपने करेक्टर और प्लॉट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लेखक हैं या लेखक बनना चाहते हैं तो आपको लोगों की बातों को गौर से सुनना, उनकी हरकतों को ध्यान से देखना और उनके मन की बातों को समझने की कोशिश करते रहना चाहिए। इसके अलावा ये जरूरी है कि आपके करेक्टर उनके डायलॉग की बदौलत पहचाने जा सकें। अलग अलग करेक्टर के लिए आपको अलग अलग प्रकार के डायलॉग लिखने होंगे। एक करेक्टर के डायलॉग उसके बारे में बहुत कुछ बताते हैं। उसकी परवरिश कैसे हुई, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी सोच क्या है, ये सब करेक्टर के डायलॉग के जरिए जाहिर किया जा सकता है। इसलिए करेक्टर के लिए सही डायलॉग चुनना बहुत जरूरी है। एक अच्छे करेक्टर को बेहतरीन करेक्टर बनाने में डायलॉग बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। लेकिन अपने करेक्टर के लिए जबरदस्ती परफेक्ट डायलॉग लिखने की कोशिश करने की बजाय आपको उन्हें अपने लिए खुद डायलॉग चुनने की आजादी देनी चाहिए। हालांकि आप अपनी कल्पनाओं और विचारों की मदद से अपने करेक्टर को डायलॉग तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपकी कहानी में एक लड़का गली से गुजर रहा है। ठंड का मौसम होने की वजह से लड़का एक लेदर का टॉप कोट पहने हुए है। इसी दौरान लड़के को दूसरी ओर से एक खूबसूरत लड़की अपनी ओर आते हुए दिखाई देती है। जो भी घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में आप लिखते रहें और आपके करेक्टर क्या कहना चाहते हैं उसे सुनने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए लेदर टॉप कोट पहने लड़के को सामने से आ रही लड़की बेहद पसंद आ जाती है, लेकिन लड़का लड़की के पास जाकर सीधे ये तो नहीं कह सकता कि चलो हम शादी कर लेते हैं। सबसे पहले उन्हें एक दूसरे के बारे में थोड़ा बहुत जानना होगा। इसके लिए दोनों आपस में कुछ बातें करेंगे, फिर वो एक दूसरे के बारे में अपने दोस्तों से बातें करेंगे। इस दौरान जब आप इन कैरेक्टर्स के साथ कुछ समय बिता लेंगे तो आपको इनके बारे में बेहतर जानकारी हो चुकी होगी। आपको इस बात की समझ होने लगेगी कि पहली मुलाकात के दौरान लड़का उस लड़की से क्या कह सकता है। आप अपने कैरेक्टर को जितने अच्छे से समझ सकते हैं उतनी ही आसानी से आप चीजों को उनके नजरिए से देख पाएंगे। जैसे जैसे आप अपने कैरेक्टर को बेहतर समझने लगेंगे आपको उनके लिए दया या सहानुभूति का भाव भी आने लगेगा। लेकिन आपके मन में ये दया भाव केवल एक करेक्टर के लिए नहीं होना चाहिए, ये दया भाव आपको अपनी कहानी के विलन के लिए भी होना जरूरी है। आपके प्लॉट का विलन भी एक इंसान है जिसमें अच्छाइयां और बुराइयां दोनों हैं। आपको समझना होगा कि विलन के दिल में क्या है जिसकी वजह से वो गलत काम कर रहा है। इसी तरह आपको सभी करेक्टर के दिल में झांक कर देखना चाहिए। इससे आप ये बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि कौन सा करेक्टर क्या कहना चाह रहा है। अब हम अगले एपिसोड की ओर बढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम अपने प्लॉट को ठीक करने के बारे में जानेंगे। प्लॉट में बदलाव करना। लेखन सीखने की कोशिश कर रहे ज्यादातर छात्रों को ये लगता है कि जब जाने माने लेखक लिखने बैठते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि उनकी कहानी कैसी होने वाली है। उनके हिसाब से जाने माने लेखकों के प्लॉट पहले से तय होते हैं और ये उनकी रूपरेखा पहले से बनी हुई होती है। लेकिन लेखिका का कहना है कि उनकी नजर में ऐसा कोई भी लेखक नहीं है जो अपने प्लॉट को खोजने की कोशिश में डगमगाता ना हो। अगर आपको भी अपने प्लॉट को खोजने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। यही लेखन की दुनिया है और आपका इसमें स्वागत है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपनी कहानी को शुरू करने से पहले ही अपने प्लॉट के लिए एक अंजाम तय कर चुके होंगे। लेकिन जब आप लिखने की शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे अपने कैरेक्टर को बेहतर तरीके से समझते हैं तो आप पाते हैं कि आपका चुना हुआ अंजाम
प्लॉट के हिसाब से फिट नहीं बैठने वाला है। हालांकि आपने अपने लेखन की शुरुआत इसी अंजाम को ध्यान में रखकर की थी, लेकिन अब आपको उसमें बदलाव भी करना पड़ सकता है। ये भी लेखन की दुनिया का एक हिस्सा है और आपको इसे स्वीकार करना होगा। लेखिका को भी ऐसी ही एक स्थिति का सामना करना पड़ा था। अपने अनुभव साझा करते हुए लेखिका कहती हैं कि उन्होंने जब अपनी दूसरी नॉवल की शुरुआत की तो उनके मन में एक तस्वीर थी जिसके सहारे वे अपने प्लॉट को आगे बढ़ा रही थी। धीरे धीरे वो नॉवल के करेक्टरों को बेहतर तरीके से समझने लगी, लेकिन वो जिस तस्वीर के सहारे अपनी नॉवल लिख रही थी, जब उसका इस्तेमाल करने की बारी आई तो वो कहानी में फिट नहीं बैठ रही थी। लेकिन वे अपने नॉवल को लिखने में लगभग 2 साल का समय लगा चुकी थीं। इस दौरान वे अपनी नॉवल के कुछ हिस्से अपने एडिटर को भी भेज चुकी थीं। अब तक उनके एडिटर को उनकी कहानी का प्लॉट और करेक्टर बेहद पसंद आए थे, लेकिन किताब का आखिरी हिस्सा देखकर उन्होंने लेखिका को इसमें बदलाव करने को कहा। लेखिका के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने जिस क्लाइमेक्स के सहारे अपनी नॉवल लिखी थी उसमें अंतिम समय में कैसे बदलाव किया जा सकता है। लेखिका को अपने लेखन के ऊपर शक होने लगा, लेकिन उनके करीबी दोस्त ने उन्हें कुछ दिन के लिए अपनी नॉवल से दूर रहने के लिए कहा ताकि वे अपने मन को शांत कर सके। लेखिका ने ऐसा ही किया और कुछ दिनों तक अपनी नॉवल के पास नहीं गईं। आखिरकार कुछ दिनों बाद जब उनके अंदर आत्मविश्वास लौटा तो उन्होंने अपनी किताब उठाकर देखी। उन्हें अपनी किताब बेहद अच्छी लगी, लेकिन उन्हें ये महसूस हुआ कि वो किताब को तरतीब से लगाने में असफल रही हैं। जो हिस्से किताब की शुरुआत में होने चाहिए थे वो बीच में हैं और बाकी के हिस्से भी यूं ही अलग थलग पड़े हुए हैं। किताब को दोबारा पढ़ते हुए उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने जगह जगह पर नई घटनाओं को जोड़ते वक्त उनके बारे में शुरुआती जानकारियां भी नहीं दी हैं। कुल मिलाकर इन्हीं वजहों से किताब का प्लॉट गड़बड़ा चुका था। उन्हें महसूस हुआ कि इस किताब के प्लॉट में उन्हें बदलाव करने की जरूरत है। अपनी किताब के प्लॉट में बदलाव करने के लिए लेखिका ने एक कोरे कागज का टुकड़ा लिया और उसमें उन्होंने किताब के अलग थलग पड़े हिस्सों को क्रम से लगाने का खाका तैयार किया। इसी तरह उन्होंने किताब की उन घटनाओं को भी नोट किया जिनके बारे में उन्होंने सही से जानकारी नहीं दी थी। इसके बाद लेखिका अपनी किताब लेकर एडिटर के पास पहुंची, लेकिन एडिटर उनकी किताब को पढ़कर बहुत खुश नहीं हुए। उन्होंने लेखिका से कहा कि वो इस तरीके से उनकी किताब को प्रकाशित नहीं कर सकेंगे। लेखिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेखिका को समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। वो अपने दोस्तों के घर गई और उनके साथ खूब शराब पी। गुस्से में उन्होंने अपने एडिटर को फोन करके बोला कि वो उनसे मिलने उनके घर आ रही हैं। लेखिका दोबारा अपनी किताब का ड्राफ्ट लेकर एडिटर के पास पहुंची। लेखिका के मन में गुस्सा भरा हुआ था। एडिटर के घर पहुंचकर उन्होंने किताब के ड्राफ्ट को एक तरफ रखा और एडिटर को अपनी किताब के बारे में बताने लगी। लेखिका ने लगातार आधे घंटे तक अपनी किताब को अपनी कल्पनाओं के सहारे एडिटर को समझाया और वो चुपचाप उनकी बातें सुनते रहे। जब लेखिका अपनी बात खत्म कर चुकी थी तो एडिटर ने उनसे कहा कि जो कहानी तुमने मुझे अभी सुनाई है वो तुमने अपने ड्राफ्ट में नहीं लिखी है। मैं चाहता हूँ कि जो कहानी तुमने मुझे अभी सुनाई है वो तुम अपने ड्राफ्ट में लिख कर लाओ और फिर मैं उसे छपवा दूंगा। अपने एडिटर की बात सुनने के बाद लेखिका को महसूस हुआ कि वाकई उन्होंने अपनी कल्पनाओं को सही ढंग से ड्राफ्ट में नहीं उतारा है। उन्होंने एक बार फिर अपनी कहानी का ड्राफ्ट तैयार करना शुरू किया। इस बार उन्होंने 1 महीने के भीतर ही अपना ड्राफ्ट तैयार कर दिया और एडिटर के पास भेज दिया। इस ड्राफ्ट को तैयार करते वक्त लेखिका ने अपने पुराने ड्राफ्ट की मदद ली और उसके कई भाग हटाकर उसमें नए हिस्से जोड़े। लेकिन इस दफा उन्होंने ये ध्यान रखा कि जैसी कहानी उनके दिमाग में है वैसी ही ड्राफ्ट में भी नजर आए। आखिरकार एडिटर को लेखिका का प्लॉट समझ में आने लगा और उन्होंने नॉवल को छापने की अनुमति दे दी। आगे चलकर ये नॉवल लेखिका की सबसे सफल किताब में से एक साबित हुई। लेखिका की इस कहानी को जब लेखन सीख रहे छात्र सुनते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। वो समझते हैं कि किस तरीके से प्लॉट में इतने बदलाव किए जा सकते हैं। लेकिन लेखिका इस कहानी के जरिए उनको यही समझाने की कोशिश करती है कि चाहे आपका प्लॉट कितना ही गड़बड़ क्यों ना हो जाए, फिर भी उसमें बदलाव किए जाने की आशंका बनी रहती है। अगर आपके भी प्लॉट में कुछ गड़बड़ हो रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ी सी मेहनत करके
अपने प्लॉट को पटरी पर ला सकते हैं। लेखन से जुड़ी सभी हिस्सों के बारे में जानने के बाद अक्सर छात्रों का लेखिका से ये सवाल होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी किताब पूरी हो गई है। लेखिका का कहना है कि इसका जवाब तो उन्हें खुद भी नहीं मालूम है। इस बारे में लेखिका उन्हें केवल ये बताती हैं कि जब आपकी किताब पूरी होती है तो आपको इस बात का एहसास खुद ब खुद हो जाता है। लेखिका का कहना है कि बेशक जब आप अपनी किताब पूरी कर लेंगे तो उसके बाद दोबारा किताब पढ़ने पर आपको लगेगा कि इसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। जरूरी बदलाव करना तो ठीक है, लेकिन आपको अपनी किताब को परफेक्ट बनाने के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि लेखन कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता है। खुद किताब पढ़ने के बाद अपने दोस्तों और एडिटर को किताब पढ़ने के लिए दीजिए। अगर वो आपकी किताब से संतुष्ट हैं, तो आप किताब पर काम करना बंद कर अपने अगले प्रोजेक्ट की ओर बढ़ सकते हैं। अब तक हमने किताब में लेखन से जुड़ी तकनीकों के बारे में सीखा है। किताब के अगले एपिसोड में हम जानेंगे उन चीजों के बारे में जिनकी मदद से हम इन तकनीकों का वाकई में सही इस्तेमाल कर पाएंगे। अपने आसपास ध्यान से देखिए। लेखन करने के लिए आपको अपने आसपास की चीजों को गौर से देखना होगा और फिर उनके बारे में सबको बताना होगा। खास तौर पर अपने आसपास मुसीबतों से जूझ रहे लोगों के दुख का कारण समझना होगा। ऐसा करने के लिए सबसे पहले आपके मन में लोगों के लिए इज्जत होनी चाहिए। लोगों की पहचान अगर आप उनके अच्छे या बुरे कपड़े देखकर करते हैं तो आप कभी भी लोगों की सही पहचान नहीं कर पाएंगे। लेखक एक ऐसा इंसान होता है जो दूर खड़े होकर घटनाओं को देखता है। एक लेखक के तौर पर भले ही आप दूर खड़े हों, लेकिन आपको अपनी दूरबीन के सहारे अपने नजरियों को लोगों तक साफ साफ पहुंचाना होता है। लोगों को उनके असली रूप में पहचानना आपका काम है, लेकिन आप अपने काम को तभी अंजाम दे सकेंगे जब आपको अपनी खुद की असली पहचान मालूम होगी। जब आप खुद को पहचान सकेंगे तब आपके अंदर दूसरों को पहचानने की क्षमता खुद ब खुद आ जाएगी। कोशिश कीजिए कि आप अपनी किताब पढ़ने वालों के सामने ऐसे करैक्टर पेश कर सके जिनके बारे में पढ़ते ही उनकी तस्वीर पाठकों के मन में कैद हो जाए। अपने करैक्टर को ऐसी पहचान देने के लिए आपके मन में खुद के लिए और दूसरों के लिए दया का भाव होना बहुत जरूरी है। एक छोटे से बच्चे को प्यार और करुणा भरी निगाहों से देखना बहुत आसान होता है, खासतौर पर तब जब वो बच्चा आपका हो और साथ ही वो प्यारी और मजाकिया हरकतें कर रहा हो। अपने बच्चे को प्यार और करुणा भरी निगाहों से देखते वक्त ऐसा महसूस होता है जैसे ये बच्चा हमारा एक अंग है, जैसे आप और वो बच्चा दोनों किसी एक ही चीज का हिस्सा हैं। एक होने का ये एहसास बेहद खास होता है। इस एहसास की बदौलत ही हम अपने बच्चे का दुख दर्द समझ सकते हैं और इसी वजह से अपने बच्चों के लिए हमारे मन में असीम दया का भाव होता है। लेकिन अपने मन में यही एक होने का एहसास लाना तब मुश्किल होता है जब आप एक पुलिस ऑफिसर के सामने खड़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो अपनेपन और एक होने का एहसास आपको अपने बच्चे के साथ आता है वो आपको पुलिस अफसर के सामने नहीं आ सकता। ऐसा बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन दुनिया के नियम और कायदों की वजह से हमारा दिमाग हमें ऐसा करने नहीं देता है। अगर हम पुलिस अफसर पर एक नजर डालें और उसे हिंसा और खतरे की छवियों से हटाकर देखें तो हम पाएंगे कि वो भी हमारी ही तरह सांस लेता है, वो भी हमारी ही तरह दुनिया की मुसीबतों से जूझ रहा है। हमें महसूस होगा कि वो पुलिस अफसर और हम एक ही चीज का हिस्सा है, वो भी हमारे बराबर है। हालांकि जाहिर तौर पर ऐसी सोच को बनाए रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा दिमाग दुनिया के तौर तरीकों का आदि हो चुका है। लेकिन फिर भी आप अपने दिमाग को एक नए तरीके से सोचने के लिए अभ्यास करा सकते हैं। लेखिका का कहना है कि वो खुद अभी अपने दिमाग को केंद्रित करने की कोशिश कर रही हैं, जिससे कि वो दुनिया को एक ऐसे नजरिए से देख सके जिसमें उनका मन सबके लिए दया और सहानुभूति की भावना रख सके। उस समय के बारे में सोचिए जब आपने कोई कविता या कहानी पढ़ी हो जिसे इस तरीके से लिखा गया हो कि उसे पढ़ने के बाद आपका मन उसकी सुंदरता या उसके मतलब को समझकर हैरान रह गया हो। अचानक से उस कविता या कहानी के अलग अलग हिस्से आपके दिमाग में फिट बैठने लगते हैं, और चाहे केवल कुछ पलों के लिए ही क्यों ना हो, मगर आपको
हर चीज में एक अर्थ नजर आने लगता है। एक लेखक के तौर पर हमारा यही लक्ष्य होना चाहिए कि हम पाठकों को चीजों को नए सिरे से देखने में मदद कर सकें, लोगों की बंद सोच की चार दीवारी को तोड़कर उन्हें नई चीजों से रूबरू करवा सकें और उनके मन में हैरानी का भाव पैदा कर सकें। शायद दुनिया में रहने का सही तरीका यही है कि हम छोटे बच्चों की तरह हर चीज को ध्यान से और हैरानी भरी निगाहों से देखें। अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखना भी आपको एक अनोखा सुख दे सकता है। आप दुनिया के साथ एक नया संबंध बना सकते हैं जहां आप हर चीज को ऐसी पवित्र निगाहों से देखते हैं जैसे आपको हर चीज में भगवान का रूप नजर आ रहा हो। अगर कोई व्यक्ति अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखे तो उसे इंसान के रोजाना के सुखों और दुखों में हैरान करने वाली चीजें नजर आ सकती हैं। जब आप अपने आसपास की चीजों को इस तरीके से देखेंगे और उन्हें जितना मुमकिन हो सके वैसा ही लिखने की कोशिश करेंगे तो आप पढ़ने वालों के साथ अपनी हैरानी का अनुभव साझा कर सकेंगे और उन्हें एक नई उम्मीद दे पाएंगे। नजरिया। यदि आप पाते हैं कि आप कई कहानियों को शुरू कर रहे हैं लेकिन उनको पूरा करने का काम खत्म नहीं कर पाते हैं, आप उन पर काम करते वक्त उनमें विश्वास और रुचि खो देते हैं, तो इसका कारण आपके मन में कहानी के केंद्र या मुख्य विचार के बारे में चिंता ना होना हो सकता है। आपको अपनी कहानी के बीच में उन्हीं विचारों को रखना चाहिए जिन पर आपको पूरा भरोसा है और जिनको आप पूरी तरीके से सही मानते हैं। जिन मॉरल आइडियाज पर आप पूरी तरीके से विश्वास करते हैं वही आपकी लेखन की भाषा बनते हैं, वही आपको पहचान दिला सकते हैं और वही आपके मन में रुचि पैदा करते हैं। ये सारी बातें बेहद स्वाभाविक हैं, जो हमेशा से सभी संस्कृतियों में लागू होती रही हैं। आपका काम इन सच्चाइयों को बताना है। इसके अलावा आपके पास लोगों को बताने के लिए कुछ और नहीं है। हालांकि आप सच को एक लाइन या एक पैराग्राफ के जरिए नहीं बता सकते हैं, चंद लाइनों में सच को सामने रखना शायद मुमकिन भी नहीं है। आपका पूरा लेखन सच्चाई को बयां करता है, ना कि उसका कोई एक सीमित हिस्सा। हाँ, आपके लेखन में कुछ लाइनें ऐसी होंगी जहां पढ़ने वालों को सच्चाई की झलक मिलेगी, लेकिन आपका पूरा लेखन ही आपकी सच्चाई का दस्तावेज होगा। अपने लेखन में सच को सामने रखने के लिए आप पेज दर पेज खुलासे कर सकते हैं और पढ़ते भी चढ़ा सकते हैं। लेखिका कहती हैं कि मैं आपको एक ऐसा लेखक बनने का सुझाव नहीं दूंगी जो नैतिकता का पाठ पढ़ाता हो या अपने काम के जरिए संदेश देता हो, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे हिसाब से एकदम सही होती हैं। हालांकि हमें मालूम होता है कि हम कितनी बार गलत साबित हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें उन चीजों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपनी बात में हिचकिचाना नहीं चाहिए। अपना उदाहरण देते हुए लेखिका बताती हैं कि पहले उन्हें लगता था कि दुनिया में हर चीज का एक विपरीत मौजूद है, जैसे प्यार की विपरीत चीज नफरत होती है, लेकिन वक्त के साथ उन्हें महसूस हुआ कि वो गलत हैं। अब उन्हें लगता है कि शायद प्यार के विपरीत इस दुनिया में कोई भी चीज नहीं होती है। लेखिका कहती हैं कि लेखन शुरू करते वक्त अगर आप जरा भी मेरी तरह होंगे तो आप अपने हर पन्ने को व्यंग और हैरान कर देने वाली बातों से भर देने की कोशिश करेंगे ताकि दुनिया को दिखा सके कि आप एक बेहद स्मार्ट और भावनाओं को गहराई से समझने वाले इंसान हैं। लेकिन जैसे जैसे लिखना आपकी आदत में शुमार हो जाएगा और आप रोजाना लिखने लगेंगे तो मेरी तरह आपकी सोच में भी बदलाव आ सकता है। फिर आपकी कोशिश रहेगी कि जितना मुमकिन हो सके उतना ज्यादा इंसान की जिंदगी के ड्रामे को आप पन्नों पर उतार सकें। अधिकतर महान लेखकों का उद्देश्य यही बताना रहा है कि हम कौन हैं। जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता है हमें मालूम होने लगता है कि कौन सी चीज हमारी मदद कर रही है और किन चीजों से हमें दुख पहुंचता है। हमारे करैक्टर इन्हीं चीजों को ड्रामे के रूप में पेश करते हैं। जिन विचारों में आप विश्वास रखते हैं वही अगर आपके लेखन की प्रेरणा बनते हैं तो आपका लेखन बोझिल होने से बच सकता है और साथ ही आप अपने करैक्टरों की प्रेरणा को भी खोजने में सफल रहते हैं। पुराने जमाने के ड्रामा को मॉडल के तौर पर रखकर सोचिए। हमें ये सुनना बहुत अच्छा लगता है कि अच्छाई की बुराई पर जीत होगी और इंसान तथा इंसानियत को बचाया जा सकेगा। फॉर्मूला फिक्शन में बुराई की जीत होती रहती है लेकिन अंत में सभी बाधाओं को पीछे छोड़कर अच्छाई प्रबल ताकत बनकर उभरती है
और बुराई पर जीत हासिल करती है और फिर कहानी का नायक अपनी नायिका के साथ खुशहाल जिंदगी बिताता है। हालांकि पुराने जमाने की तुलना में आज का जमाना बहुत अलग है, लेकिन फिर भी दोनों जमानों में कई समानताएं हैं। हिंसा, महामारी, हत्यारे और चोर आज के जमाने में भी मौजूद हैं। लेकिन लोगों को ये विश्वास दिलाना कि इन सब बुराइयों के बीच भी हमारे अंदर अच्छाई मौजूद है, जो जमाने के साथ भ्रष्ट और ध्वस्त नहीं हुई है और जिसे हम ढूंढने की कोशिश करें तो हासिल भी कर सकते हैं। ये विचार लोगों के बीच उम्मीद की एक किरण जगाता है और उन्हें आश्वस्त करता है। लेकिन ये सब करने के लिए आपको अपने विचारों पर विश्वास करना होगा। अगर आपको अपने विचारों पर विश्वास नहीं होगा तो आप अपने काम को आगे नहीं ले जा पाएंगे और आपकी बातों का भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप किसी चीज के बारे में वाकई परवाह करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तो उदाहरण के लिए मान लीजिए आप पुरानी सोच और परंपरावादी विचार के हैं, ये विचार आपको अपने काम को आगे ले जाने में मदद करेगा। यही विचार जब आप अपने लेखन में जूझ रहे होंगे तो आपकी सहायता के लिए आगे आएगा। एक अच्छा लेखक बनने के लिए न केवल आपको बहुत सारा लेखन करना पड़ता है, बल्कि आप जो लिख रहे हैं उसके बारे में परवाह भी करनी होती है। हो सकता है आपके पास कोई जटिल फिलॉसफी ना हो, लेकिन एक लेखक हमेशा समाधान का हिस्सा बनने की कोशिश करता है। ऐसा करने के लिए हमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसके लिए शायद अपनी बची हुई जिंदगी को करुणा, दया और हंसते खेलते बिता देना ही काफी है। लेकिन दुर्भाग्य से लोगों के प्रति दया रखना और दूसरों के दुखों को अपने हृदय से महसूस करना आपके लेखन के लिए काफी साबित नहीं हो सकते हैं। ऐसा लेखन लोगों को बहुत सपाट और नीरस नजर आ सकता है। आपकी किताब लोगों के लिए एक नैतिक संदेश नहीं हो सकती है, बल्कि आपकी किताब उन चीजों का दस्तावेज होना चाहिए जिनके बारे में आप परवाह करते हैं। अब हो सकता है आपको दुनिया में सबसे ज्यादा परवाह उपवास और खाने पीने के बारे में हो, ये भी ठीक है। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि अपने लेखन में आजादी को शामिल करें, वो आजादी जिसके लिए लड़ना जायज है। आपके कैरेक्टर चाहे कितने ही बुरे क्यों ना हो, मानव अधिकार आपके कैरेक्टर से शुरू होते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आपको उनकी शख्सियत की विशेषताओं की इज्जत करनी होगी जो उन्हें अलग पहचान देती है। कैरेक्टर की नैतिक सोच कोई ख्याली पुलाव नहीं होती है, ना ही ये उसमें कहीं बाहर से थोपी जाती है। इसकी शुरुआत कैरेक्टर के दिल से होती है और आगे बढ़ती है। सच्चाई के बारे में बताइए, आजादी के बारे में लिखिए और उसके लिए लड़िए। अगर आप ऐसा करने में सफल रहते हैं तो आपको अपने प्रयासों का फल भी हासिल होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले एपिसोड की ओर, जिसमें हम जानेंगे कि लेखन करते वक्त अंतरात्मा की आवाज कितनी महत्वपूर्ण होती है। अपनी आवाज। मेल ब्रूक्स की 20,000 ईयर ओल्ड मैन नाम की शॉर्ट फिल्म में साइकेट्रिस्ट अपने मरीज से कहता है, अपनी ब्रोकली की आवाज सुनो और ब्रोकली तुम्हें खुद बताएगी कि उसे कैसे खाया जाए। लेखिका अपने छात्रों को जब ये बात बताती हैं, तो उन्हें लगता है कि शायद अब लेखिका के पास ट्यूशन छोड़ने का वक्त आ चुका है। लेकिन इस बात को समझना जिंदगी और लेखन दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि जब आपको ये समझ ना आए कि आपके कैरेक्टर को आगे क्या करना चाहिए, तो आप अपने कैरेक्टर की आवाज सुनने की कोशिश कीजिए जो अभी आपके दिमाग में चल रही है। ये आवाज आपको बताएगी कि आपका कैरेक्टर क्या करना चाहता है। लेकिन चिंता की बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी आवाज के साथ संपर्क में नहीं रह गए हैं। बचपन में जब भी हमने अपनी अंतरात्मा की आवाज या अपने मन की आवाज को सुना, तो उसे अपने बड़े बूढ़ों को बताया। लेकिन ऐसा करने पर ज्यादातर हमें या तो डांट पड़ती थी या हमारी बातों को गलत ठहराकर उनमें सुधार किया जाता था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, हमने अपनी इस आवाज पर भरोसा करना छोड़ दिया। लेकिन लेखन करने के लिए आपको अपनी इस आवाज को दोबारा ढूंढना और उसके संपर्क में रहना बेहद जरूरी है। नहीं तो जब आप सुबह लिखने बैठेंगे तो आपका मार्गदर्शन करने के लिए केवल आपका तार्किक दिमाग मौजूद होगा, और अगर आपका दिन खराब जा रहा है तो आपका दिमाग जल्द जवाब दे जाएगा और आप मुश्किल से आधे घंटे का भी लेखन नहीं कर पाएंगे और आप अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हो सकते हैं। ये स्थिति जहां आप लेखन का प्रयास छोड़कर हट जाते हैं, वाकई बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप अपनी कुर्सी पर बैठकर ध्यान लगाते हैं तो
तो अधिकतर मौकों पर आपके दिमाग में कोई ऐसा विचार आ सकता है जिससे आप खुद भी हैरान हो जाते हैं। अगर आप खुद के ऊपर भरोसा करें और अपने करेक्टर की आवाज सुनने की कोशिश करें तो शायद वो आपको आगे का रास्ता दिखा दे। अपने ऊपर भरोसा करके आप अपने आत्मविश्वास और अंतरात्मा को सुनने की क्षमता को वापस हासिल कर सकते हैं। आपको अपने ऊपर तब तो खास तौर पर भरोसा करने की जरूरत है जब आप अपना पहला ड्राफ्ट तैयार कर रहे हो। पहला ड्राफ्ट तैयार करते वक्त जो घबराहट और आत्मसंदेह होता है उसके बीच आपकी यादों और कल्पनाओं का स्थान होना बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी कल्पना और अपनी यादों पर भरोसा कीजिए, ठीक वैसे ही जैसे डांस करते वक्त आपको अपने पैरों पर नहीं बल्कि डांस करने पर ध्यान देना चाहिए। आप अपनी अंतरात्मा की आवाज भी सुन सकते हैं जब आप उसके लिए जगह बनाएंगे। ऐसा करना तभी मुमकिन होगा जब आप अपने अकलमंद दिमाग को कुछ देर के लिए आराम देंगे। इस दौरान आप एक बच्चे की तरह सोच सकेंगे और उसके निर्मल नजरिए से दुनिया को देख सकेंगे। इसलिए कुछ देर के लिए अपने दिमाग को शांत रखें, आंखों को बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। इस दौरान जब आप अपने अंदर झांक कर देखेंगे तो आपको आजाद कल्पनाओं का भंडार मिलेगा। हो सकता है आपको अपनी कहानी के लिए जो जानकारियां चाहिए हो वो आपको नजर आ जाएं। या आप अगर अपनी कविता के लिए एक नई दिशा खोज रहे थे तो वो आपको हासिल हो जाए। जरूरी नहीं है कि ये सब जल्द से जल्द हो, इसके लिए आपको सब्र करना पड़ सकता है, लेकिन आखिरकार आपको सफलता जरूर हासिल होगी। अगर आप अपने दिमाग को काबू में करने की कोशिश छोड़ देंगे तो शायद आप अपने करेक्टर के व्यक्तित्व के बारे में बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। अपने दिमाग को बेकाबू छोड़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप ये कर सकते हैं। अगर आपकी कल्पनाओं में आपका करेक्टर अचानक अपनी जेब से एक गाजर निकाल रहा है तो उसे निकालने दीजिए। उसे अपने हिसाब से सोचने की कोशिश मत कीजिए। बाद में आपके पास अपनी कल्पनाओं के बारे में विचार करने के लिए समय होगा और फिर जो चीजें आपकी कहानी में फिट बैठें उन्हें इस्तेमाल कीजिए और बाकी को भूल जाइए। लेखन करने के लिए जरूरी है कि आप खुद में विश्वास करने के लिए खुद को ही हिप्नोटाइज करने की कोशिश कीजिए। फिर जब आपका काम हो जाए तो हिप्नोटाइजेशन से निकलकर अपने काम को ध्यान से चेक कीजिए। आपको अपने काम में कई गलतियां नजर आएंगी, कई जगह आपको नई चीजें जोड़ने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये सब लेखन के प्रोसेस का हिस्सा है। जब आप लिखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप गलतियां भी करेंगे। लेखन करते वक्त आप खुद को अक्सर दोराहों पर खड़ा पाएंगे और आपके सामने किसी एक रास्ते को चुनने की चुनौती होगी। ऐसे में आपके मन में उलझन होना स्वाभाविक है, लेकिन लेखिका का कहना है कि ऐसे में घबराना नहीं है और चीजों को सिंपल रखने की कोशिश करनी चाहिए। आप खुद पर भरोसा कीजिए और अपने मन की आवाज सुनिए। इस तकनीक का इस्तेमाल आप केवल लेखन में ही नहीं बल्कि अपने जिंदगी के दूसरे हिस्सों में भी कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले एपिसोड की ओर, जिसमें हम लेखन से जुड़े एक और बेहतर टॉपिक पर बात करेंगे। ध्यान को भटकने ना दें। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि किस तरीके से अपने अंदर की आवाज को सुनना लेखक के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन हमारी कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करने वाली आवाज को सुनने के लिए हमें अपने मन में उठने वाली दूसरी आवाजों को शांत करना होगा। अधिकतर समय ये दूसरी आवाजें हमारे ध्यान को भटकाती हैं और हमें लेखन करने से रोकती हैं। अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो हो सकता है कि ये आवाजें आपके दिमाग में 24 घंटे चलती रहें। लेखन करने के आपके प्रयास में ये एक बहुत बड़ी मुसीबत बनकर सामने आ सकती है। लेकिन अपने मन में करेक्टर की आवाज सुनने के लिए आपको अपने मन को एक शांत स्थान बनाना होगा। अब सवाल उठता है कि आप अपने मन को किस तरह से एक शांत स्थान बना सकते हैं ताकि गैर जरूरी आवाजें आपको परेशान न कर सकें। लेखिका का कहना है कि ऐसा करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये नोटिस करना शुरू करना चाहिए कि आपके मन में गैर जरूरी आवाज या ख्याल आ रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमें पता भी नहीं चल पाता है और हम अपने दिमाग में अलग अलग तरह के गैर जरूरी ख्यालों में डूब जाते हैं। इसके अलावा अपना फोकस बनाने के लिए आप पूजा पाठ करके या प्रार्थना के बाद लिखने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी सांसों की मदद से भी अपने ध्यान को भटकने से रोक सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने अपने पूजा पाठ
या मोमबत्ती जलाने के बाद अपने लेखन की शुरुआत करती है। अब आप अपने मन में कैरेक्टर की आवाज सुनने के लिए फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान धीरे धीरे भटकने लगता है। आप सोच रहे हैं कि अगर आपकी किताब हिट हो गई तो क्या आपको टीवी पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एक और ख्याल आपके दिमाग में आता है और आप सोचते हैं कि दोपहर में क्या खाना बनाया जाए। फिर आप खुद को ये सोचते हुए पाते हैं कि अगर आपके बालों में आग लग जाएगी तो आप क्या करेंगे। इतनी देर में आपके फोन की घंटी बजती है और आप फोन उठाते हैं। ये फोन आपकी मम्मी का होता है और आपको वो बताती हैं कि कैसे आज उनके घर में रखा सारा दूध बिल्ली पी गई। आप लेखन से पूरी तरीके से भटक चुके हैं। अब आप अपनी आंखें बंद कीजिए और गहरी सांस लेकर अपना ध्यान सांसों पर बनाए रखिए। फिर जब धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोलेंगे तो आप पाएंगे कि आपका दिमाग शांत हो चुका है। फिर आप दोबारा अपना लेखन शुरू कर सकते हैं। काश कोई आसान तरीका होता जिसकी मदद से हम अपने फोकस को बनाए रख पाते, लेकिन फिलहाल हमें इन्हीं तरीकों से काम चलाना होगा। लेकिन वाकई शांत रहकर अपनी सांस को अंदर लेने और बाहर छोड़ने से आप अपने कैरेक्टर के दिल की आवाज सुन पाते हैं और दूसरी गैर जरूरी बातें आपका ध्यान भटका नहीं पाती हैं। आपके ध्यान को सबसे ज्यादा भड़काने वाली आवाज जलन की भावना की वजह से पैदा होती है। जलन की भावना आपके कॉन्फिडेंस पर सीधा हमला करती है और उसे खत्म करने की क्षमता भी रखती है। लेकिन अगर आपको लेखन जारी रखना है तो आपको इस भावना के साथ समझौता करना सीखना होगा, क्योंकि आपके जान पहचान के कुछ अयोग्य और आपसे खराब लेखकों के हाथ वो चमचमाती सफलताएं लगेंगी जो आप हासिल करना चाहते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि इसका मतलब ये हो कि आप अच्छा लेखन नहीं कर रहे हैं। आजकल जनता की भेड़ चाल सोच को टीवी पर आने वाले एड, टॉक शो और फिल्में हद से ज्यादा प्रभावित करती हैं। अच्छे लेखन से ज्यादा ये चीजें लेखक और किताब को फेमस करने में मदद करते हैं। आप भी चाहेंगे कि जनता की भीड़ आपकी किताब की तरफ भी खिंची चली आए, हालांकि ये हमेशा मुमकिन नहीं हो सकता है। कई बार आपके किसी दोस्त को ये सफलता मिलेगी और आपको नहीं। ऐसा होने पर आपको कई दिन लोगों से बात करने का मन नहीं करेगा, आपको किसी की बातों का विश्वास नहीं रहेगा। जिन लेखकों को सफलता मिली है वो आपसे कहेंगे कि अगला नंबर आपका ही है, लेकिन आपको उनकी भी बातों का विश्वास नहीं होगा। ये हालात आपके आत्मविश्वास पर कहर बरपा सकते हैं। आप अपने सफल लेखक दोस्त के बारे में सोचते हैं और आपको लगता है कि उसे जिंदगी की सारी खुशियां मिल चुकी हैं। उसके सामने पैसों की अब कोई दिक्कत नहीं रह गई है और वो एक आरामदायक जिंदगी गुजार सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सफलता अपने साथ कई चुनौतियां लेकर आती है और सफलता के बाद जिंदगी इतनी आसान नहीं होती है जितनी बाहर से नजर आती है। लेकिन दूसरों की सफलताओं से आप खुद को टूटने मत दें। इस बात का यकीन रखिए कि एक न एक दिन आपको भी अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा और आप भी सफल होंगे। हालांकि दूसरों की सफलता से जलन होना एक लेखक के तौर पर बेहद स्वाभाविक है। लेखिका खुद जलन की भावना का शिकार रह चुकी हैं। वो कहती हैं, लेखक के तौर पर आप जलन की भावना से नहीं बच सकते हैं, लेकिन आप या तो इस भावना के असर को कम कर सकते हैं या इसे बदल सकते हैं। लेखिका कहती हैं कि चार चीजों ने उन्हें जलन की भावना से निपटने में काफी मदद की। सबसे पहले तो उनकी बढ़ती उम्र ने उनकी मदद की। इसके बाद उन्हें जब भी जलन की भावना का एहसास होता था तो वो किसी ना किसी से बात करके अपनी भावनाओं को बाहर निकाल देती थीं। फिर उन्होंने अपनी जलन की भावना को लेखन करने के लिए मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और आखिरकार उन्हें सबसे ज्यादा राहत तब महसूस हुई जब वो खुद ही अपनी जलन की भावना का मजाक उड़ाने लगी। अब एक लेखक के तौर पर आपके सामने कई बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी जहां आप लिखने के लिए कोई भी शब्द नहीं ढूंढ पाएंगे। आप अपने खाली पन्ने को घूरते रहेंगे और कोई भी ख्याल आपके दिमाग में नहीं आएगा। इस स्थिति को अंग्रेजी में राइटर्स ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। राइटर्स ब्लॉक में अक्सर ये होता है कि हम खुद के ऊपर अपना विश्वास खो देते हैं। आगे लिखने के लिए तो कोई विचार आता ही नहीं है और साथ ही हमने जो कुछ भी थोड़ा बहुत लिखा होता है उसे पढ़ने के बाद हमें अपना लेखन बहुत खराब लगता है। राइटर्स ब्लॉक से निकलने का सबसे आसान रास्ता ये है कि हम अपनी स्थिति को स्वीकार करना सीखें। दरअसल हमारी परवरिश इसी तरीके से हुई है कि हमें हमेशा अपने हालातों को बदलने के लिए और उन्हें सुधारने के लिए तैयार किया गया है। लेकिन एक लेखक के तौर पर कभी कभी आपको ये स्वीकार करना होगा कि आप कुछ वक्त के लिए नहीं लिख सकते हैं,
और कुछ वक्त के लिए आपके दिमाग में कोई भी ख्याल नहीं आ सकता है। इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है और ये हर लेखक के साथ होता है, इसलिए ये एक बेहद सामान्य बात है। चलिए अब चलते हैं अगले एपिसोड की ओर, जहां हम जानेंगे कि किस तरीके से दूसरे लोग हमारे लेखन में मदद कर सकते हैं। लोगों से बात करिए। आपके आसपास ऐसे अनगिनत लोग मौजूद हैं जो आपके साथ बेहद कीमती जानकारियां साझा कर सकते हैं। आपको उनसे जानकारियां हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ज्यादातर लोग अपने अनुभव और यादें साझा करने के लिए उत्सुक रहते हैं। आपको केवल अपना फोन उठाना है और उनसे बात करना शुरू करना है। आप खुद ये सोचकर देखिए कि जब आपको कोई चीज के बारे में जानकारी होती है और कोई आपसे उससे जुड़ा कोई सवाल करता है, तो आपको उसके बारे में बताते हुए कितनी खुशी और उत्सुकता होती है। मान लीजिए आपको पेंगुइन या मक्खन के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है और आपसे कोई पेंगुइन या मक्खन से जुड़ा सवाल करता है, तो आमतौर पर आप इन विषयों पर बहुत आराम से बात कर सकेंगे और आपको खुशी भी होगी। यही बात दूसरों पर भी लागू होती है। लेखक के लिए दूसरे लोगों से बात करने का एक और बड़ा फायदा है। एक लेखक के तौर पर अक्सर हम अपना ज्यादातर समय अकेले गुजारते हैं। ऐसे में ये आशंका बनी रहती है कि अकेलापन हम पर कहीं हावी ना हो जाए, लेकिन अगर आप दूसरे लोगों से बात करते रहेंगे तो आप खुद को अकेलेपन का शिकार होने से भी बचा सकेंगे। दूसरे लोगों से बात करने के समय को आप अपने ब्रेक के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपके लिए दिन में कम से कम कुछ 100 शब्द लिखना जरूरी होता है, उसी तरीके से आपके लिए अपने काम के बीच में ब्रेक लेना भी जरूरी है। दूसरे लोगों से बात करके आप अपने ब्रेक का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो जब आप दूसरे लोगों से बात करेंगे तो सबसे पहले आप खुद को अपने काम से थोड़ी देर के लिए छुट्टी दे सकते हैं, और जब आप दूसरे लोगों से बात करेंगे तो आप नई बातों के बारे में जानेंगे और आपका दिमाग नए तरीके से सोचेगा। सच्चाई तो ये है कि आप कई बार तब तक अपने प्लॉट को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे जब तक आपके पास नई जानकारियां नहीं होंगी। उदाहरण के लिए आपका कैरेक्टर ब्यूटी स्कूल में दाखिला लेने जा रहा है, लेकिन ब्यूटी स्कूल में उसका पहला अनुभव कैसा होगा, ये जानने के लिए आपको किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बात करनी होगी जो ब्यूटी स्कूल गया हो या उससे जुड़ा हुआ हो। इसी तरह से अपनी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए आपको अलग अलग जानकारियों की जरूरत होगी। आपको उन लोगों को ढूंढना होगा जो आपको ये जानकारियां उपलब्ध करा सकें। अगर आप किसी ऐसे इंसान को ढूंढने में कामयाब रहते हैं जो अपनी बातों को मजाकिया ढंग से लेकिन बेहद साफ शब्दों में बता सके, तो आपके लिए ये सबसे बेहतर होगा। जाहिर सी बात है, किसी मजाकिया इंसान के साथ बात करने में हमें ज्यादा अच्छा महसूस होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप जिस इंसान से जानकारी हासिल कर रहे हैं उसमें ये सब क्वालिटी मौजूद हो। अगर किसी व्यक्ति के पास अच्छी जानकारी है लेकिन वो मजाक नहीं करता है, तो उससे बात करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। आपका पहला मकसद जानकारी हासिल करना होना चाहिए। वहीं जब आप अपनी किसी जानकारी को हासिल करने के लिए लोगों से बात कर रहे होंगे, तो मुमकिन है आपके सामने कुछ ऐसी भी जानकारियां आएंगी जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। यानी अगर आपने लोगों से बात ना की होती तो शायद आप कभी उन चीजों के बारे में जानने की ना तो कोशिश करते और ना ही जान पाते। लोगों से बात करने के महत्व के बारे में लेखिका अपना अनुभव साझा करती हैं। लेखिका बताती हैं कि जब वो अपनी दूसरी नॉवल लिख रही थी तो वो एक सीन पर पहुंची जहां पर कहानी का हीरो अपनी हीरोइन के साथ पहली डेट पर जाता है। हीरोइन को शैंपेन बहुत पसंद होती है, इसलिए उसे खुश करने के लिए हीरो अपने साथ शैंपेन की एक बोतल भी लेकर जाता है। हीरो शैंपेन की बोतल पर चढ़ी हुई फॉइल को अपने खूबसूरत और लंबे लंबे हाथों से धीरे धीरे हटाता है। फॉइल हटाने के बाद हीरो शैंपेन की कॉर्क पर लगे रहने वाले तार को खोलने लगता है। ऐसे लिखते हुए लेखिका को याद आया कि कॉर्क पर लगने वाले इस तार का कुछ ना कुछ नाम तो जरूर होता होगा। ये जानने के लिए उन्होंने क्रिश्चियन ब्रदर्स की वाइनरी पर फोन किया। क्रिश्चियन ब्रदर्स का वाइनयार्ड रशियन नदी के नजदीक मौजूद था, लेकिन जब उन्होंने वाइनरी पर फोन किया तो उनकी लाइन बिजी गई। लेखिका को निराशा हुई और वो वाइनयार्ड यानी अंगूरों के बाग के बारे में सोचने लगी। उन्होंने याद किया कि किस तरीके से पतझड़ के शुरुआती मौसम में वाइनयार्ड धरती की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक नजर आते हैं।
उन्होंने सोचा कि बाग में लटके हुए चमकदार अंगूरों को देखकर मन में जो रसीलेपन की भावना आती है वो वाकई में अद्भुत होती है। इस दौरान अंगूरों की सुंदरता को देखकर आप खुद को हैरान होने से रोक नहीं पाते हैं। लेखिका इन बातों को सोच ही रही थी कि अचानक उनकी एक दोस्त का फोन उनके पास आता है। लेखिका ने जब उनसे बात की तो पता चला उनकी दोस्त ने उन्हें अपनी जिंदगी की दुख भरी कहानी सुनाने के लिए फोन किया है। लेकिन लेखिका ने अपनी दोस्त से कहा कि क्यों ना हम आज अंगूरों के बारे में बात करें। लेखिका की दोस्त अंगूरों की शौकीन थी, ये बात उन्हें नहीं मालूम थी। अंगूरों की बात सुनते ही वो कहने लगी कि हाँ, वाकई में अंगूर बहुत अद्भुत होते हैं। बाग में उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो वो चमक रहे हों। धरती माँ फलों को इसलिए चमकदार और सुंदर बनाती है ताकि उन्हें देखकर जानवर उनकी ओर खिंचे चले आए और उन्हें खाकर अपना पेट भरें। लेखिका को ये विचार इससे पहले कभी नहीं आया था। उन्होंने अपने दोस्त की ये बात लिख कर रख ली। थोड़ी देर बाद उन्होंने दोबारा क्रिश्चियन ब्रदर्स की वाइनरी पर फोन किया। इस दफा एक महिला अटेंडेंट ने उनका फोन उठाया। लेखिका ने जब उनसे कॉर्क के ऊपर लगे तार के नाम के बारे में पूछा तो उसके पास भी कोई जवाब नहीं था। महिला अटेंडेंट ने कहा कि आज से पहले मैंने भी कभी उसका नाम जानने के बारे में सोचा ही नहीं। महिला अटेंडेंट ने लेखिका से कहा कि अगर वो थोड़ी देर इंतजार करती हैं तो वो उनकी बात वाइनरी के बुजुर्ग से करा सकती हैं, जिन्हें शायद कॉर्क के ऊपर लगने वाले तार का नाम पता हो। लेखिका ने कहा कि वो इंतजार कर सकती हैं। थोड़ी देर बाद महिला अटेंडेंट ने उनकी बात एक बुजुर्ग से कराई, जिनकी आवाज बेहद धीमी थी। लेखिका ने जब उनसे अपना सवाल किया तो वो चहक उठे और कहा कि उन्हें बेहद खुशी है कि लेखिका ने उनसे ये सवाल किया। आज से पहले किसी ने भी उनसे कॉर्क के ऊपर लगने वाले तार का नाम जानने की कोशिश नहीं की थी। उन्होंने लेखिका को बताया कि कॉर्क के ऊपर लगने वाले तार को वायरहुड के नाम से जाना जाता है। किताब पूरी होने के बाद कई लोगों ने लेखिका से उनकी किताब की तारीफ की और साथ में ये भी जोड़ा कि उनकी किताब की वजह से उन्हें कॉर्क के ऊपर लगने वाले तार का नाम पता चला। इन तारीफों की कई वजहों में से एक वजह शायद ये भी थी कि उन्होंने एक दिन क्रिश्चियन ब्रदर्स वाइनरी के बुजुर्ग से बात करने का फैसला किया। इसी तरह आप भी एक लेखक के तौर पर दूसरे लोगों से बात करने के मौके को कभी ना गंवाएं। और अगर आप एक लेखक नहीं भी हैं तब भी आपको दूसरे लोगों से बात करने के किसी भी मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। चलिए अब चलते हैं अगले एपिसोड की ओर, जिसमें हम जानेंगे राइटिंग ग्रुप्स के बारे में। राइटिंग ग्रुप्स, रोज अकेले बैठकर लिखना और इसको अपनी आदत बनाना लेखन करने के लिए अच्छा कहा जा सकता है। कई लोगों के लिए तो ये एक आरामदायक आदत भी बन जाती है, ठीक उसी तरह से जैसे कुछ लोगों के लिए अपने नाखून दांत से काटना एक आदत बन जाती है और वो इसे कलात्मक काम समझने लगते हैं। फुटपाथ के किनारे रहने वाले लोगों की जिंदगी देखकर घबराने के बजाय आप उनके कपड़ों की बारीकियों और उनके चेहरों के हाव भाव को गहराई से देखने लगते हैं। इस तरह शायद आप कभी उस स्थान पर पहुंच ही नहीं पाते हैं जहां पर आप ये कह सकें कि ओह, तो इस छोर पर खड़े होकर बंदूक ऐसी दिखती है। इसी तरह आप आगे लिखते जाते हैं, अपने लेखन में एडिट करते रहते हैं, बदलाव करते जाते हैं, नई लीड ढूंढते रहते हैं, नए अंत खोजते रहते हैं। ये सब करते हुए आप अकेले रह सकते हैं, लेकिन आखिर में आपको फीडबैक की जरूरत पड़ती है और इसके लिए आपको दूसरे लोगों के पास जाना ही होगा। इंसान एक सामाजिक प्राणी है और वो एक दूसरे के साथ बातचीत करने की कोशिश करता रहता है। लेकिन एक लेखक के तौर पर जब आप लेखन कर रहे होते हैं तो आप खुद को दुनिया से कटा हुआ पाते हैं। आपको नहीं मालूम होता कि जो आपने लिखा है वो दूसरे लोगों को कैसा लगेगा। पेंटिंग बनाने के बाद पेंटर उसे एक ऐसी जगह पर टांगता है जहां उसे सारे लोग देख सकें, ना कि किसी कमरे में बंद कर देता है। इसी तरह आपके दिमाग में भी एक राइटिंग क्लास या राइटिंग कॉन्फ्रेंस का ख्याल आ सकता है। नए नए लेखक जब किसी राइटिंग वर्कशॉप की शुरुआत करते हैं तो उन्हें ये नहीं मालूम होता है कि वो इस वर्कशॉप से क्या उम्मीद रख सकते हैं। कुछ लोग लेखन सीखने आते हैं तो कुछ लोग अपने लेखन को बेहतर बनाने आते हैं। कुछ लोग काफी समय से लिख रहे होते हैं लेकिन अपने लेखन पर फीडबैक हासिल करने के लिए वर्कशॉप से जुड़ते हैं। ये लक्ष्य ऐसे हैं जो वर्कशॉप के जरिए वाकई हासिल किए जा सकते हैं।
लेकिन किसी भी राइटिंग क्लास या कॉन्फ्रेंस में जुड़ने से पहले आपको एक बात का ख्याल रखना चाहिए। बहुत सारे मौकों पर देखा गया है कि कई राइटिंग क्लास और कॉन्फ्रेंस में गला काट कंपटीशन चल रहा होता है। कई बार आपको इन जगहों पर अपने काम के लिए सही फीडबैक और आलोचना नहीं मिल पाती है, या जो आलोचना और फीडबैक आपको मिलता है उसकी आपको जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप वाकई अपने काम के लिए फीडबैक ढूंढ रहे हैं, आपको अपना मनोबल बढ़ाना है और आप दूसरे लेखकों की संगति में आना चाहते हैं, तो आप राइटिंग ग्रुप का सहारा ले सकते हैं। लेखिका कहती हैं कि वो कई ऐसे छात्रों को जानती हैं जो उनकी क्लास में एक दूसरे से मिले और फिर 3 या 4 लोगों का ग्रुप बनाकर महीने में 2-3 दफा मिलने लगे, और अब ये छात्र ऐसा कई वर्षों से करते आ रहे हैं। जब इन छात्रों को पता होता है कि उन्हें किसी एक दिन अपने ग्रुप से मिलना है, तो वो कुछ ना कुछ काम पूरा करके ही मीटिंग में पहुंचते हैं। इस राइटिंग ग्रुप की वजह से उन्हें अपना काम पूरा करने का भी मोटिवेशन मिलता है। लेखन करते वक्त आपके लिए कई ऐसे खराब दिन होते हैं जहां पर आप कुछ भी नहीं लिख पाते हैं, लेकिन जब आप अपने साथी लेखकों से मिलेंगे तो ये जानेंगे कि ऐसा लगभग सभी के साथ होता है। ये जानकर भी आपको थोड़ी तसल्ली मिलेगी। आपको मालूम होगा कि हर लेखक के लिए कुछ खराब दिन होते हैं और ये राइटिंग प्रोसेस का एक हिस्सा है। ज्यादातर लेखक अपने काम के बारे में किसी से भी बात करने से बहुत डरते हैं, क्योंकि किसी को भी ये मालूम नहीं हो सकता है कि कौन सा लेखन अच्छा साबित होगा या कौन सा लेखन फ्लॉप। लेकिन किसी एक ऐसे इंसान का होना बहुत मदद करता है जो आपको मोटिवेट कर सके, आपका हौसला बढ़ा सके, जिस पर आप भरोसा कर सकें और जो आपको ईमानदारी से फीडबैक दे। जब आपके लिए कोई दिन खराब जा रहा हो तो आपको बहुत ज्यादा सलाह की जरूरत नहीं होती है। बस आपको कोई एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपकी हालत को समझ सके और आपको मालूम हो सके कि लोगों को अब भी आप पर विश्वास है। राइटिंग ग्रुप्स आपको ये सारी मदद उपलब्ध करा सकते हैं। तो जब आपको राइटिंग ग्रुप के फायदे पता चल चुके हैं, तो आप जानना चाहेंगे कि कैसे आप अपना राइटिंग ग्रुप शुरू कर सकते हैं। अपना राइटिंग ग्रुप शुरू करने के लिए सबसे पहले तो अगर आप किसी राइटिंग क्लास या क्रिएटिव क्लास का हिस्सा हैं, तो उसमें अपने पसंदीदा साथियों के साथ मिलकर आप महीने में एक दफा मिलने का प्लान बना सकते हैं। इसके अलावा लेखिका कहती हैं कि उनके कई छात्रों ने बुलेटिन बोर्ड और छोटे अखबारों में एड के जरिए राइटिंग ग्रुप बनाने की अनाउंसमेंट की। इनमें से ज्यादातर लोगों ने एक बेहतरीन राइटिंग ग्रुप बनाने में सफलता भी हासिल की है। चलिए अब चलते हैं अगले एपिसोड की ओर, जिसमें हम जानेंगे किताब की पब्लिकेशन के बारे में। पब्लिकेशन। अब हम अपनी चर्चा के आखिरी एपिसोड में पहुंच चुके हैं। चर्चा के इस आखिरी एपिसोड में हम बात करेंगे लेखन के उस हिस्से के बारे में जिसके लिए एक लेखक सबसे ज्यादा उत्साहित रहता है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं पब्लिकेशन के बारे में, यानी जब लेखक की किताब आखिरकार छपने जा रही होती है। मान लीजिए आपने अपनी किताब का ड्राफ्ट या कहानियों का संग्रह पूरा कर लिया है और आप उसे अपने एजेंट के पास भेजते हैं, या अगर आपके पास कोई एडिटर है तो आप सीधा उसे अपनी किताब मेल करते हैं। इसके अलावा आप अपने 2-4 दोस्तों को भी किताब का ड्राफ्ट भेजते हैं। इसके बाद शुरू होता है इंतजार का दौर। कई लेखक ऐसे होते हैं जो अपनी किताब को मेल करने के बाद तुरंत अपने नए काम पर जुट जाते हैं। हो सकता है आप भी उनमें से एक हों। लेकिन लेखिका कहती हैं कि मैं तो अपनी किताब मेल करने के बाद तब तक नए प्रोजेक्ट पर काम नहीं शुरू कर पाती थी जब तक मुझे अपने एडिटर या एजेंट का जवाब नहीं मिल जाता था। मैं हर दिन बेसब्री के साथ अपना मेल चेक करती हूँ। जब भी फोन की घंटी बजती है तो मुझे लगता है कि ये मेरे एजेंट का कॉल होना चाहिए। आखिरकार 1-2 हफ्ते के बाद आपको एडिटर के असिस्टेंट का मैसेज आता है कि आपकी मैन्यूस्क्रिप्ट एडिटर तक पहुंच चुकी है। साथ ही इस दौरान आपके पास आपके दोस्तों के भी फोन आ सकते हैं जो आपके काम की तारीफ करने वाले होंगे। दोस्तों की बातें सुनकर आपका थोड़ा हौसला बढ़ जाता है और आप समझते हैं कि मेरी किताब एडिटर जरूर पब्लिश करेगा। लेकिन फिर भी आपके मन के कोने में शंका होती है, जिसकी वजह से आपके अंदर घबराहट रहेगी। फिर आपके सामने एक लंबा इंतजार होगा, जिस दौरान आपके एडिटर और एजेंट मिलकर किताब पर चर्चा करते हैं। फिर इसके बाद आपका एडिटर आपको फोन करेगा और कहेगा कि उन्हें आपकी किताब बहुत पसंद आई है और अगले बसंत या गर्मी के मौसम में आपकी किताब पब्लिश होने जा रही है। फिर इसके बाद आप अपनी किताब को छापने की तैयारी करवाने में पब्लिशर की मदद करने लग जाते हैं।
आपके अगले कुछ महीने किताब को एडिट करने में और कॉपी एडिटर के साथ काम करने में खुशी खुशी गुजर जाते हैं। और फिर शुरू होता है किताब के पब्लिश होने का असल प्रोसेस। किताब की पब्लिकेशन डेट से कई हफ्ते पहले आपके पास पब्लिशर किताब की शुरुआती कुछ कॉपियां भेजता है। लेखिका कहती हैं कि जब उनकी किताब इस स्तर तक पहुंच जाती है तो वो राहत की सांस लेती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि पब्लिशर अब इतने रुपए खर्च कर चुका है कि उसे अब किताब को पब्लिश करना ही पड़ेगा और वो इसे कैंसिल नहीं कर सकता है। आपके साथ साथ किताब की पहली कुछ कॉपियों को पब्लिशर कुछ अखबारों और अन्य लेखकों के पास भेजता है ताकि वो किताब के रिव्यू लिख सकें। आपके पास आई हुई किताब की कॉपी को जब आप पहली बार पढ़ते हैं तो आप खुशी के मारे फूले नहीं समाते हैं। जब दूसरी बार पढ़ते हैं तो आपको उसमें कुछ गलतियां नजर आती हैं जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं गया था। तीसरी और चौथी बार उसको पढ़ते हुए आपको ऐसा लगता है कि जैसे किताब में एक भी लाइन ढंग की नहीं लिखी है और पूरी किताब ही बेकार है। और जब आप पांचवी बार पढ़ते हैं तो आप खुद ही सोचने लगते हैं कि क्या मुझे अपनी ये किताब छपवानी चाहिए। फिर कुछ ही दिनों के बाद आपको अपनी किताब के रिव्यू अलग अलग मैगजीन्स और अखबारों में नजर आने लगते हैं। कुछ रिव्यू तो इस तरीके से लिखे होते हैं कि जिन्हें पढ़कर लगता है कि खुद आपकी माँ ने ये रिव्यू लिखे हैं। और कभी कभी कुछ ऐसे रिव्यू भी होते हैं जिन्हें पढ़कर लगता है कि आप एक अयोग्य लेखक हैं और आपकी किताब छपनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन किसी तरीके से आप ये वक्त गुजारते हैं और आखिरकार आपकी किताब के पब्लिश होने की तारीख आ जाती है। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन किताब पब्लिश होती है वो दिन वाकई कुछ खास होता है। आपकी किताब जिस दिन पब्लिश हो रही होती है उस दिन आप इसी बात को ध्यान में रखकर अपने बिस्तर से उठते हैं। आपको लगता है कि जैसे ही आप अपने बिस्तर से बाहर निकलेंगे आपके फोन की घंटी बज रही होगी। आपका पब्लिशर उत्साहित होकर आपसे कहेगा कि वो आपकी किताब के पोस्टर का प्रचार हवाई जहाज से करवाएगा। आपको उम्मीद होती है कि जैसे ही आपकी किताब हिट होगी वैसे ही आप अपने नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं। और अगर कुछ नहीं तो कम से कम आपका पब्लिशर आपके लिए फूल भिजवाना तो याद रखेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कम से कम शुरुआत में तो नहीं। अगर आपके दिमाग में पैसा और शोहरत का ख्याल है तो जब आपकी किताब पब्लिश होगी तो आप पागल हो सकते हैं। पब्लिकेशन के वक्त अगर आपकी किस्मत वाकई अच्छी रही तो आपको कुछ अच्छे रिव्यूज मिल सकते हैं, आपके लिए कुछ बुक साइनिंग पार्टियां आयोजित की जाएंगी और कुछ जगहों पर हो सकता है आपकी किताब की रीडिंग का भी इंतजाम किया जाए। इसके बाद आपको कुछ इंटरव्यू देने के लिए भी बुलाया जा सकता है। लेकिन किताब पब्लिश होने के बाद कुल मिलाकर लगभग इतना सब कुछ ही होता है। हो सकता है इसी दौरान आपकी किताब का कोई एक बुरा रिव्यू भी दे डाले जिसे पढ़कर आपका दिल दहल उठे। रिव्यू पढ़ने के बाद आप उस रिव्यू की आलोचना करना शुरू करते हो। आपके पास कुछ लेखक मित्रों का फोन आ सकता है जो आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वो रिव्यू किसी काम का नहीं है और आपने वाकई एक बहुत अच्छी किताब लिखी है। आपके दोस्त अपने साथ हुई घटनाओं के अनुभव भी आपके साथ साझा करेंगे क्योंकि अगर आप एक लेखक हैं तो आपके साथ ये सब होना तय है। ऐसा लेखिका के साथ भी हुआ था और अगर आप भी अपनी किताब पब्लिश करते हैं तो आपके साथ भी हो सकता है। लेकिन जब आपकी किताब पब्लिश हो जाती है तो आपको पूरे लेखन समुदाय से एक किस्म की स्वीकृति मिलती है कि आपने जो लिखा है वो वाकई में सही था। आपकी किताब जब पब्लिश हो जाती है तो आप एक ऐसा स्थान हासिल कर लेते हैं जिसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। आप एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जहां आप अपने पसंदीदा काम के जरिए पैसे कमा सकते हैं और ये जानने के बाद आपको वाकई अपने अंदर एक गजब की खुशी महसूस होती है। लेकिन इस सब के बाद आपको फिर से बाकी के लेखकों की तरह खाली पन्नों के सामने बैठकर एक नई शुरुआत करनी होती है। आपकी दूसरी और तीसरी किताब की शुरुआत नए जोश और जज्बे के साथ होती है क्योंकि आप एक बार अपनी किताब पब्लिश करवा चुके होते हैं। लेकिन इस बार आपके सामने ये साबित करने की भी चुनौती होती है कि आपकी पहली किताब कोई तुक्का नहीं थी। आपके सामने खुद को और अपने लेखन को एक बार फिर से साबित करने की चुनौती होती है। पब्लिकेशन के बारे में समझाने के बाद लेखिका अपने छात्रों को आखिरी क्लास में बहुत कुछ बताना चाहती हैं। वो उन्हें दोबारा याद दिलाती हैं कि जब कुछ भी समझ में ना आए तो अपने बचपन के बारे में लिखने की कोशिश कीजिए। उस दौर के बारे में बताइए जब आप दुनिया को सबसे ज्यादा उत्साह के साथ देखते थे, जब आप अपने आसपास मौजूद हर चीज को गौर से देखा करते थे।
अपने बचपन के बारे में सोचने और समझने की कोशिश में आप दुनिया को नई निगाहों से देखेंगे और फिर ज्यादा होशियारी के साथ उसके बारे में लिख सकेंगे। अपने इमोशंस को साफ साफ बिना मेल मिलावट के लिखने की कोशिश कीजिए। आप जो भी लिख रहे हैं उसके बारे में या अपने अतीत के बारे में शर्मिंदा होने या उससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप ये सोचने में अपना वक्त बर्बाद करते हैं कि मैं कैसा दिखता हूँ या दूसरे लोग मुझे किस नजरिए से देखते हैं, तो आपको ये काम तुरंत बंद करने की जरूरत है। आपको अपनी राइटिंग पूरी ना कर पाने का डर बनाए रखना चाहिए। इस अंधेरे और घायल समाज में लेखन करना आपको सुकून दे सकता है। अपने लेखन की मदद से आप इस दुनिया में अपने लिए एक अलग जगह बना सकते हैं। एक आर्टिस्ट होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको अपना काम करने के बाद संतुष्टि का एहसास होता है। अगर आप अपनी जिंदगी में खुद का लिखा हुआ एक शब्द भी पब्लिश करवाने में असफल रहते हैं, तो भी आपके पास एक ऐसा काम होगा जिसे करने में आप पूरी तरीके से डूब जाते हैं, क्योंकि ये काम आपको संतुष्टि की भावना देता है। मुमकिन है कि आपके माता पिता या घर के बड़े बूढ़े आप पर चिल्लाएं कि मत बैठो, मत लिखो या ऐसा करो वैसा करो, लेकिन जैसे आप बचपन में बड़े बूढ़ों की डांट सुनने के बाद भी अपने मन के मुताबिक काम किया करते थे, उसी तरीके से अब भी अपनी सुनिए। आखिर में लेखिका के छात्रों का उनसे एक सवाल जरूर होता है। वो लेखिका से पूछते हैं कि हम जो लिखते हैं आखिर वो जरूरी क्यों है। लेखिका उनसे कहती हैं, हमारा लेखन हमारी रूह और हमारे दिल के लिए जरूरी है। लिखना और पढ़ना हमारे अकेलेपन के एहसास को कम करता है। लिखना और पढ़ना हमारी जिंदगी के नजरिए के दायरे को बड़ा करता है, उसे नई गहराइयों तक पहुंचाता है और हमारी रूह को सुकून देता है। लिखना और पढ़ना तूफान भरे समंदर में नाव पर खड़े होकर गाना गाने जैसा होता है। गाना गाकर आप समंदर के तूफान को तो शांत नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे मन को शांत करता है और हमें जीने का हौसला देता है। कंक्लूजन। अब जब लेखिका हमें लेखन के सफर में पढ़ने वाले सभी प्रभावों के बारे में जानकारी दे चुकी हैं, तो अंत में उनका कहना है कि हमारे लिए लिखने का मकसद केवल अपने इमोशन को दुनिया के सामने रखना नहीं होना चाहिए। आप अपने लेखन की मदद से दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। इस बात पर हमेशा यकीन करिए, आपका लेखन किसी की अंधेरी जिंदगी में उजाला बन सकता है, किसी की डूबती उम्मीदों का हौसला बन सकता है। आपको अपने ख्यालों और विचारों पर विश्वास करना होगा और उन्हें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दुनिया को बताना होगा। इसी तरीके से आपने इस किताब से सीखा होगा कि कैसे जिंदगी और लिखने की कला एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कैसे आपको एक अच्छा लेखक बनने के लिए जिंदगी को अलग अलग नजरियों से और जितने करीब से हो सके देखने की जरूरत है। आपको अपनी कल्पनाओं पर विश्वास करने की जरूरत है। उम्मीद है कि आपको कुकू एफएम की तरफ से आपके लिए बनाया गया बर्ड बाय बर्ड की ये चर्चा